3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो चलिए आप रुख करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो का। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बयानवीर नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही। सवाल यह है कि चुनाव करीब आ रहे हैं, इसीलिए जहरीली बयानबाजी क्या की जा रही है। कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयानबाजी की। इधर रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने संभाला था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले बयानवीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब मां दुर्गा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक जी के मुताबिक मां दुर्गा काल्पनिक हैं और मां दुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है। विधायक फतेह बहादुर यहीं नहीं रुके, उन्होंने महिषासुर का भी महिमा मंडन कर दिया। कहा कि महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं को तार तार करने के लिए विधायक जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ी। जरा एक बार बयान सुनो। लोहा का ही आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ। जब 3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहे का तलवार और लोहे का चक्र लाखों वर्ष पहले कहां से आया, ये साबित करता है कि ये काल्पनिक है। मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी, दसों हाथ का औजार कहाँ था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। समाजवादी राजा जो राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। द्वितीय अध्याय इसमें देखिए, माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? और आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कन्नी काट ली। अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आरजेडी खुद भी मुश्किलों में फंसा गिरती देख रही है। अब तक आरजेडी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई जवाबी टिप्पणी नहीं की। लालू और तेजस्वी की चुप्पी सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर सनातन के विरोध का दांव चला गया। बीजेपी और जेडीयू के बयानों को आप सुनिए और समझिए कि इसके पीछे की सियासत क्या है। माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को, और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें। तेजस्वी यादव जी, कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं? बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई। और चलिए मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो के बहस के सवाल क्या हैं। आरजेडी के बयान बहादुर तो क्या पूर्वज महिषासुर है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी कि लोकसभा फतेह के लिए क्या यह पूरा फसादी प्लान तैयार किया गया, क्योंकि नेता इक्के दुक्के नहीं है या एक दो पार्टी के नहीं है, कई सारे विपक्षी नेता है। सवाल यह कि सनातन पर ठेस तो क्या विपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लग गई? अगला सवाल, जात पात धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे, क्या बिहार को सुलगाएंगे? सवाल यह भी कि हिंदू धर्म पर चोट तो क्या MY एजेंडे से वोट पालेंगे? सवाल अगला यह कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ इस
चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ माधव आनंद हैं, आरएलजेडी के नेता हैं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, आरजेडी के नेता, और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। मुझे बताइए कि ये जो आपके विधायक जी कह रहे हैं, ये क्या आप लोग भी सच मानते हैं? क्या ये पार्टी का स्टैंड है क्या? क्योंकि आप देखें कि पहले रामचरित मानस पर सवाल उठाना, वो अभी पूरा विवाद सुलझा नहीं, उस पर मामले शांत नहीं हुए। अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और अब वो मां दुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आप लोग क्या वाकई में मां दुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह रखते हैं क्या, आरजेडी के लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों में, सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के मूल्यों पे चलती है और संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हर धर्म संभव, मतलब सभी धर्मों को। तो ये आपके विधायक को ये संविधान का नियम नहीं पता क्या सर? अभी मैं बता रहा हूं ना, तो जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले, और ये है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उनको लगता है कि भाई ये बातें जो है वो तार्किक मेरे हिसाब से नहीं, नहीं है, नहीं, अरे सर सुबोध सर, आप तो प्रोफेसर साहब है, मैं आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद रखता हूं। मुझे ये बताइए कि अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा, तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या, इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या? देखिए, एकदम मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सभी आस्थाओं में विश्वास रखती है। जहां तक फतेह जी की जो बात है, फतेह बहादुर जी ने जो बात कही है, अपनी आस्था उनको लगता है कि ऐसा शुरू में उनकी आस्था है। सुबोध जी, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजिए कि राबड़ी देवी छठ पूजा करती है ना, उसकी तस्वीर तो पूरा देश देखता है। अगर छठी मैया को लेकर लोग कहें कि आजादी की लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे क्या बैठ के? अनुराग जी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। अरे सर, धर्मों में विश्वास करती है तो रामचरित मानस पर सवाल क्यों? जहां तक बात रही महिषासुर की, तो आप जानिए भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 9% आदिवासी लोग हैं। आदिवासी जितने साथी और भाई बंधु हैं वो ज्यादा झारखंड, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं। ये लोग सभी महिषासुर को अपनी आस्था मानते हैं। अरे सर, तो ऐसे तो रावण को भी लेकर लोग अपनी आस्था मानते हैं। कई लोग हैं, अभी ये बिसरक में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि रावण को लेकर आस्था है कि नहीं है। काम बुरा किया था तो वध किया गया ना। आप महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं तो अब क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगेंगे क्या शिवम जी? ये क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगने पर आ गए क्या? क्योंकि आप देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की बात नहीं है, विपक्षी दलों में ऐसे कई पार्टियां हैं जो खुलकर सनातन के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ बोलती हैं। देखिए, मैं जवाब हमें लगता है आरजेडी के मित्र से कहिए मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। वो बोलने दीजिए ना, प्लीज बोलने दीजिए। थैंक यू। हिंदू धर्मों में, अरे अरे हिंदू धर्म के ज्ञाता भैया, बस रुक जाइए, नहीं चाहिए और धर्म पर ज्ञान आपसे। पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं, अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा। विषय बहुत साफ है, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, क्या फायदा, आप बोल रहे थे तो नहीं बोला कोई भी। आपके पास आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी या फिर घमंडिया या फिर इंडिया अलायंस सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर रामचरित मानस को गाली देना सम्मान है तो हिंदू धर्म के लोगों को आपसे सम्मान नहीं चाहिए, आप हमसे नफरत करें। अगर प्लीज आप इनको बंद करेंगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज आप इनको बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलिए ना। आपके मंत्री के बाइट याद नहीं है क्या आपको? चंद्रशेखर जी की बाइट याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि रामचरित मानस जो है गलत ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गलत है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप इनको रोकेंगे ना प्लीज। सुबोध जी आप तो प्रोफेसर साहब है ना। अरे सुबोध जी, आप सुन तो लीजिए बीजेपी क्या कह रही है, वो सुन तो लीजिए। थैंक यू। दूसरा, अगर इसके अलावा आप हमारा सम्मान ऐसा करना चाहते हैं कि माता मां दुर्गा जो है वो काल्पनिक है, महिषासुर जो है राजा है, और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, यही बातें जरा किसी और से पूछकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। जिनको वोट बैंक मानते हो, जरा एक बार पूछ के दिखाओ ना। आपके विधायक और आपके विधायक की गर्दन कहां मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, आप मां दुर्गा का अपमान कर सकते हैं, आप नौ नवरात्रों का अपमान कर सकते हैं, उनकी लड़ाई का अपमान कर सकते हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, और जो चाहे कह सकते हैं।
ऐसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिंदुओं को आपसे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। प्लीज बीच में बोलना बंद करिए, नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाया हुआ है, रुक भी नहीं पा रहे हैं। कैसे पढ़ाते होगे बच्चों को आप, रुकिए जरा प्लीज, नहीं रुकिए जरा, जब आप बोल रहे थे ये आप ही ने कहा है, ये आप ही के विधायक ने कहा है, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। बात साफ है, आप हमारी आस्था से, आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको वोट की राजनीति करनी है, आपको गाली देनी है, किसी और को दीजिए, हमें मत दीजिए। ठीक है शिवम जी और सुबोध जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं। मैं बहुत जल्दी से हमारे साथ आरएलजेडी के भी प्रवक्ता माधव आनंद जी जुड़े हुए। माधव जी, अगर आप बहुत संक्षिप्त में बताएं, क्या मजबूरी है ऐसी मेरे धर्म को लेकर, मेरे भगवान को लेकर कोई टिप्पणी करे, ये मैं कभी नहीं सुन सकता। मैं जो धर्मों में, शास्त्रों में पढ़ता आ रहा हूं, नेताजी आकर कोई और मतलब दिखा देते हैं या सिखा देते हैं, ये क्या मजबूरी है कहने की? अनुराग जी, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जो आरजेडी के विधायक हैं फतेह सिंह बाद, उन्होंने कहा कि वो महिषासुर को मानते हैं, तो मुझे लगता है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और सुबोध जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हम दोनों ने बहुत लंबे अरसों तक काम किया है साथ में, प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अगर वो अगर इस वक्तव्य को, इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते और कहते हैं कि उनकी निजी राय हो सकती है, तो ये कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। मुझे लगता है पूरी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब से सक्रिय हुए हैं, वैसे तो स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल मिला हुआ है, लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की सामाजिक सौहार्द को जो है सो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तुष्टीकरण नीति के कारण, और बिना लालू यादव के इशारे के शिक्षा मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप रामचरितमानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें, आप मंत्री पद पर बने रहे, पार्टी अगर आप पर कार्रवाई ना करे तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले नेता होंगे वो तो निकलकर सामने आई जाएंगे, या हो सकता है पार्टी ने खुद प्लांट की हो। कार्रवाई कैसे करेगी? लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये। ठीक है सर, मैं किस मंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनके बिना कोई बयान दे दे? ठीक है सुबोध जी, सनातन को लेकर, अगर रामचरितमानस को लेकर, अगर मां दुर्गा को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है, तो लालू प्रसाद यादव करवा रहे हैं इंटेंशनली, तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कोई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, क्यों नहीं बोलते? ठीक है शिवम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं फिर धर्मगुरु के पास जाऊंगा। प्रेम जी, ये राजनीतिक जो समीकरण है, क्या साधने के लिए है क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर धर्मों के हिसाब से वोट डालेंगे तो 2024 में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जातिवाद के आधार पर अगर आपने बांट दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती, तो क्या यह सब कुछ प्लांड तरीके से उस दिशा में किया जा रहा है, ये बयान? प्रेम कुमार, अनुराग जी देखिए, प्रतिक्रियाएं कौन दे रहा है? एक हिंदू धर्म पर टिप्पणी आज से नहीं, हमेशा लोग करते हैं। और जब टिप्पणी होती है, अगर टिप्पणीकार ब्राह्मण है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अगर टिप्पणीकार जो गैर ब्राह्मण है तब उस पर बम बवाल हो जाता है। कौन से टिप्पणीकार ब्राह्मण पे प्रतिक्रिया नहीं हो रही? प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं? किस पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया? अरे सर, जाति के हिसाब से थोड़ी भी जाति देखेंगे क्या? सर, भगवान ना किसी जाति के हैं ना धर्म के, भगवान भगवान होते हैं, जिसकी आस्था है उसकी आस्था है। ब्राह्मणों के हैं क्या? कैसी बातें करते हैं? भगवान शिव सिर्फ ब्राह्मणों के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं क्या? ठीक है शिवम भाई एक बार कह लेने, पूरी दुनिया के शिवम भाई एक बार उनको कह लेने, घंटा शिवम त्यागी से बोलवा लीजिए आप। प्रेम जी बिल्कुल बोल लीजिए, लेकिन गलत बोलेंगे तो जवाब मिलेगा ही ना। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर बोलने की छूट है, बाकी लोगों को छूट नहीं है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पर जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो निबंध लिखना सिखाया जाता है। निबंध में लिखाया जाता है भारत जो है वो धर्म आस्था का देश है, और धर्म आस्था पर इस तरह से प्रहार उसी देश में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी विधायक पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बहादुर सिंह, उन्होंने माँ दुर्गा पर सवाल उठा दिया। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा दिया। दुर्भाग्य है कि आरजेडी और नीतीश की सरकार कभी रामायण पे, उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, आज माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा हैं, विद्या दायिनी हैं, हर नौ कई रूप हैं उनके, ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं। इनका इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई
मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देवताओं पर ये कोई कटाक्ष कर सके, क्यों? ये लोग कमजोर आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो जानते हैं अगर मैं मुसलमानों के कुरान पर कोई कमेंट कर दूं तो सर तन से जुदा हो जाएगा। यही कारण हिंदू एकजुट ना हो ये भी कोशिश हो रही है क्या कि इस तरह के बयान देकर उनको बांट दिया जाए, जाति धर्म में उलझा दिया जाए? ये तो शुरू से रहा है। हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा है कि हिंदुओं को जात में बांटने का काम ये सरकार करना। अब बेचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी कटते हैं, ये हिंदुओं के दुर्दशा है। लेकिन भूले नहीं लालू जी और नीतीश जी, हिंदू के सहिष्णुता की परीक्षा न ले। आज छपरा में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ, वहां भी पत्थरबाजी की गई यात्रा पे, बेगूसराय में आप थे। ये तो कई बरसों से जब से मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है, बिहार में तो 19-19 जिले लगभग रहे हैं आज से कई साल पहले, जहां रूट चेंज कर देना, दुर्गा की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना, आज छपरा हो या मुजफ्फरपुर। गिरिराज सिंह को आपने सुना, गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, कई बार हिंदुत्व को लेकर बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए। मैं बहुत जल्दी से शिवानी दुर्गा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके तो नाम में भी दुर्गा है मैम, तो मुझे आप बताइए कि ये जब टिप्पणियां आप हमारे देश के राजनीतिज्ञों से सुनती हैं कैसा लगता है आपको? और दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना वाकई इतना आसान है कि चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के आप कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, आपको माफी है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं? जी, हर हर महादेव आप सभी को। आपने दो प्रश्न पूछे हैं। मैं सुन रही थी फतेह बहादुर सिंह जी को जो वो बोल रहे थे, और उसमें मैंने पढ़ा भी, उसमें लिखा था कि ये महिषासुर के वंशज स्वयं को बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये महिषासुर के वंशज हैं तो महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। हम माँ दुर्गा की सेविका हैं, भक्त हैं, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ति करते हैं माँ दुर्गा की। तो आप सभी जानते हैं कि महिषासुर नृप अति अभिमानी, उनका जो है क्या हाल माँ दुर्गा ने किया था। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते हैं, बुद्धिहीन सपने हु सुख नाही, ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति करते हैं कि शक्ति को ललकारते हैं, क्योंकि इनका अंत निकट होता है। जब अंत निकट होता है तो हम देवताओं को, शक्ति को, भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं, तो इनके साथ भी वही होगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक की राजनीति है, उसी समय पर ये किया जाता है। अब क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है, इस सरकार को या ये जो भी लोग हैं इन्हें कोई पूछता नहीं। लेकिन मैम, क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना इतना आसान है? क्या कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा? देखिए, हिंदू धर्म को टारगेट करना आसान नहीं है, इसीलिए टारगेट किया जाता है, जो शक्तिशाली होता है उसी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो इन्हें ये भयभीत हैं हिंदू धर्म से, हिंदुत्व की एकता से, हिंदुओं के एक होने से, सनातन क्या फिर से उदय होने से ये लोग भयभीत हैं, इसीलिए अटैक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। सुबोध जी, आपने सारी बातों को सुना, मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं, पहले धर्म और आस्था के आधार पर आपसे समझ लेता हूं कि साहब आप भी तो किसी न किसी को तो मानते होंगे भगवान के तौर पर, किसी न किसी को एक्सट्रीम शक्ति मानते होंगे, तो किसी को हक थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए? देखिए अनुराग जी, राष्ट्रीय जनता दल किसी भी धार्मिक भावनाओं को, राष्ट्रीय जनता दल के ही तो नेता है ना, विधायक तो आप ही के है ना। दीजिए ना महाशय, आपने क्वेश्चन पूछा है, बोलने दीजिए जी। कोई नहीं तो आप डाल रहे, आप घुमा रहे, सबसे पहली लाइन में आपसे सबसे सटीक सवाल पूछा था। अनुराग जी हमें ये बताइए, जो ट्राइबल है, आदिवासी है, वो हिंदू है कि नहीं है? आपको पता है असुर जनजाति पाई जाती है झारखंड में, आपको मध्य प्रदेश में और असम में और बंगाल में, आपको पता है? महिषासुर मतलब, नाम पे मतलब विधायक जी जो है वो उस असुर जाति का, उस ट्राइबल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा क्या? 9% लोग हैं जो महिषासुर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी हिंदू धर्म के अंदर ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फतेह बहादुर जी कह रहे हैं वो उनकी पर्सनल। अच्छा चलिए ठीक है, आप महिषासुर की पूजा कर लीजिए, कौन किसकी पूजा कर रहा है, दिस इज नन ऑफ एनीबॉडी एल्स बिजनेस, बट द पॉइंट इज आप ये मुझे बताइए कि माँ दुर्गा आपके लिए काल्पनिक है क्या, आपकी पार्टी के लिए काल्पनिक है? महिषासुर की पूजा कीजिए आप, चलिए आप कर लीजिए, हो सकता है आपको वोट मिलते हो, लेकिन आप माँ दुर्गा को काल्पनिक मानेंगे?
सुनिए अनुराग जी, हिंदू धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहाँ पे सर फटोगल कोई क्यों रहे? अरे तो सर अरे ना मानिए आप, सार्वजनिक मंच से लोगों की भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? धर्म में विश्वास करती है, हर किसी में विश्वास करती है, अगर कोई मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं एक मिनट सुबोध जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए मानो तो देव नहीं तो पत्थर और इस देश में है। ठीक है सुबोध जी एक चीज का मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं शिवम जी के पास जा रहा हूँ। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो इसमें दूसरों की भावना क्यों आहत कर रहे हैं आप अपने तक सीमित रखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक्षेप कर दे या आरजेडी पर कोई टिप्पणी कर दे तो आप चुप बैठते हैं क्या? कभी आप तो जवाब देने निकल जाते हैं, आप जैसे कई प्रवक्ता आ जाते हैं। तो किसी के धर्म पर आप इतना बोले उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, आप सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लें कि वो उनकी विचारधारा है। अरे पल्ला झाड़ना होता है अनुराग जी तो आपके डिबेट में हम क्यों आते हैं? तो यहाँ पर भी आप सटीक मांग कर रहे हैं सर। आप मानिए कि आपकी पार्टी का लाइन है महिषासुर वाली, आप मान लीजिए मैं बोल दूंगा ठीक है साहब आपने आप एक्सेप्ट कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का लाइन है सब आस्थाओं सब धर्मों के में हम विश्वास करते हैं। ये तो शिवम त्यागी जी छुपने वाली बात है ना, 24 के लिहाज से आप पुष्टिकरण भी कर ले, जाति के आधार पर बंटवारा भी कर ले और फिर कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो आपकी तरफ है। शिवम जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। माधव जी आप उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। शिवम जी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आरजेडी की बात करें खासतौर पर तो वो पार्टी महिषासुर को मानने वाली पार्टी है। अगर ये महिषासुर को नहीं मानते तो इन्होंने अपने विधायक के बारे में क्या किया? क्या उसको इन्होंने कुछ कहा? क्या इसको उन्होंने डांटा? क्या इसको उन्होंने माफी मांगने को कहा? फिर भी उसके बाद में भी जी अरे भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, विंडो बंद है, उसमें भी आप बोले जा रहे हैं रुक जाइए, ये ट्रेनिंग कहाँ से लेकर आए हैं? रुक जाइए भाई, अभी आप इनको प्लीज रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे सर नहीं बोल रहा तो नहीं नहीं सुबोध जी एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट शिवम जी मैं एक बात कह दूं फिर मैं सुबोध जी आपको आपका माइक ऑफ करवा दूंगा। सुबोध जी एक बहुत सिंपल सी बात है, ये मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक भगवान श्री राम को काल्पनिक लोग कहते थे। 2024 का चुनाव आते आते आज लोग इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो हमें बुला क्यों नहीं रहा है, और वो आपकी सहयोगी। तो ये सच्चाई है सर कि जब आप काल्पनिक कहते तब आप सोचते नहीं है। ठीक है शिवम जी प्लीज थैंक यू। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ कथित प्रोफेसर साहब रुक जाइए, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, वो चुप नहीं होंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मां दुर्गा को काल्पनिक बताया है आरजेडी वालों ने, इसी तरीके से ये तो कुछ भी कह सकते हैं। आने वाले समय में छठी मैया का त्योहार आने वाला है, छठ करता है पूरा देश, और छठी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और भगवान सूर्य की बहन माना गया, ये तो उसको भी काल्पनिक मानते हैं फिर इसका मतलब। तो ये इतना ढोंग क्यों करते हो भाई, ये पूरा छठी मैया की इतनी पूजा क्यों करते हो? अगर सनातन में विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, माँ दुर्गा में विश्वास नहीं है, छठी मैया में विश्वास नहीं है, कोई भी उनको गाली दे सकता है, कोई भी उनको काल्पनिक कह सकता है, कोई भी उनको गलत बता सकता है, कोई भी उनको महिषासुर से छोटा कर सकता है, कोई भी उनको कह सकता है कि ये हुआ ही नहीं, और अगर ये हुआ है तो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं आपने लड़ाई लड़ी? तो फिर मानकर ये ड्रामा क्यों करते हो? ये बैठ कर पूजा कर उसका लाइव प्रसारण क्यों करवाते हो? अगर हिंदू धर्म को गाली ही देनी है तो उसी पर चुनाव लड़ो ना, उसी पर गाली ही दो। लेकिन गाली भी देनी है, हम किसी धर्म का अपमान भी नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, और अपने विधायक को कुछ कहते भी नहीं, अपने मंत्री को कुछ कहते भी नहीं। वोट बैंक खिसकता है ना सर? नहीं तो वोट बैंक खिसकता है तो भगवान को कम से कम वोट बैंक में ना लाए ना, माँ दुर्गा को वोट बैंक में ना लाए, छठी मैया को वोट बैंक में ना लाए। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या मानो तो देवता नहीं तो पत्थर वाला स्टेटमेंट किसी को इस बात की इजाजत देता है कि कोई किसी को धार्मिक तौर पर आहत कर ले? देखिए मेरा जवाब आप लेंगे तभी हम जवाब दे सकें सर, मैंने इसीलिए आप लोग बोलने ही नहीं देते तो हम क्या बोले, अब क्यों बुलाते मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो एक लाइन बोलता हूँ आप रोक देते सर। आप पिछली बार भी आए हमको बोलने नहीं दिया, ब्राह्मण को बोलने दिया जा रहा नहीं बोलने दिया जा रहा तो इस पे बताइए। फिर कहता हूँ कि अगर प्रेम कबूतर से चिट्ठी लिखा के भेज दीजिएगा जवाब। आपने तो प्रोफेसर साहब को बता दिया कि कथित प्रोफेसर, वो बात ऐसी कर रहे हैं भाई, कथित प्रोफेसर कमाल बात है। आपने पहले मैं प्रोफेसर का सम्मान करता हूँ लेकिन भगवान को भी मानता हूँ अपने, और भगवान सबसे सर्वोपरि है, माँ दुर्गा सबसे सर्वोपरि है भाई, छठी मैया सबसे सर्वोपरि है। आप यहाँ बैठकर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं आप प्रोफेसर भी है और आप अगर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं सुनूंगा मैं, एक बार सुन लेते मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी, क्यों सुनूं मैं? अरे प्रेम जी आप लग जाते हैं, अगर मेरे धर्म को गाली देंगे तो क्यों सुनूं मैं? आप बोले प्रोफेसर सम्मान है उस बात का लेकिन गाली नहीं दे सकते आप। ठीक है प्रेम जी बोलिए आप, बिल्कुल बोलिए प्रोफेसर सुबह। प्रेम जी प्लीज अपनी बात को कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपनी बात रखने दीजिए मुझे, रखिए। टिप्पणीकार देखिए जब सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं
कि रावण के बारे में गलत इतिहास बताया जाता है। रावण उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी और उन्होंने सर रावण के अस्तित्व पे थोड़ी सवाल उठा दिया था। बात सर आप जो बात कह रहे हैं भाई यही तो बात है, बोलने नहीं दे रहे ना आप मेरी बात तो स्पष्ट आप, करने आप जानते हैं सर इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं, वक्त की लिमिटेशन होती है ना सर, ऐसे थोड़ी कि आप जो बोलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर क्षेत्र के हिसाब से बताया तो भगवान श्री राम पर टिप्पणी करते हुए थोड़ी कहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं है। बहरहाल सर मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए आप रुख करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो का। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बयानवीर नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि चुनाव करीब आ रहे हैं इसीलिए जहरीली बयानबाजी क्या की जा रही है। कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयानबाजी की थी। इधर रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने संभाला था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो हिंदुओं के धर्मग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले बयानवीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब मां दुर्गा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक जी के मुताबिक मां दुर्गा काल्पनिक है और मां दुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है। विधायक फतेह बहादुर यही नहीं रुके, उन्होंने महिषासुर का भी महिमा मंडन कर दिया। कहा कि महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं को तार तार करने के लिए विधायक जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जरा एक बार बयान सुनिए। लोहा कहीं आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ। जब 3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहे का तलवार और लोहे का चक्र लाखों वर्ष पहले कहां से आया, ये साबित करता है कि ये काल्पनिक है। मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी, दसों हाथ का औजार कहाँ था और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। समाजवादी राजा जो राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। द्वितीय अध्याय इसमें देखिए, माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? और आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कन्नी काट ली। अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आरजेडी खुद भी मुश्किलों में फंसा गिरती देख रही है। अब तक आरजेडी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई जवाबी टिप्पणी नहीं की। लालू और तेजस्वी की चुप्पी सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर सनातन के विरोध का दांव चला गया। बीजेपी और जेडीयू के बयानों को आप सुनिए और समझिए कि इसके पीछे की सियासत क्या कहती है। मां भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें। तेजस्वी यादव जी कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं? बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई। और चलिए मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो के बहस के सवाल क्या हैं। आरजेडी के बयान बहादुर तो क्या पूर्वज महिषासुर है, सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी कि लोकसभा फतेह के लिए क्या यह पूरा फसादी प्लान तैयार किया गया, क्योंकि नेता इक्के दुक्के नहीं है या एक दो पार्टी के नहीं है, कई सारे विपक्षी नेता है। सवाल यह कि सनातन पर ठेस
तो क्या विपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लग गई? अगला सवाल, जात पात धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे, क्या बिहार को सुलगाएंगे? सवाल यह भी कि हिंदू धर्म पर चोट तो क्या MY एजेंडे से वोट पालेंगे? सवाल अगला ये कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ माधव आनंद हैं, RLJD के नेता हैं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, RJD के नेता, और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। मुझे बताइए कि ये जो आपके विधायक जी कह रहे हैं, ये क्या आप लोग भी सच मानते हैं? क्या ये पार्टी का स्टैंड है क्या? क्योंकि आप देखें कि पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाना, वो अभी पूरा विवाद सुलझा नहीं, उस पर मामले शांत नहीं हुए। अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और अब वो मां दुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आप लोग क्या वाकई में मां दुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह रखते हैं क्या, RJD के लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों में, सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के मूल्यों पे चलती है और संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हर धर्म संभव, मतलब सभी धर्मों को। तो ये आपके विधायक को ये संविधान का नियम नहीं पता क्या सर? अभी मैं बता रहा हूं ना, तो जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले, और ये है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उनको लगता है कि भाई ये बातें जो है वो तार्किक मेरे हिसाब से नहीं, नहीं है, नहीं, तो अरे सर सुबोध सर, आप तो प्रोफेसर साहब है, मैं आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद रखता हूं। मुझे ये बताइए कि अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा, तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या, इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या? देखिए, एकदम मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सभी सभी आस्थाओं में विश्वास रखती है। जहां तक फतेह जी की जो बात है, फतेह बहादुर जी ने जो बात कही है, अपनी आस्था उनको लगता है कि ऐसा सुर में उनकी आस्था है। सुबोध जी मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजिए कि राबड़ी देवी छठ पूजा करती है ना, उसकी तस्वीर तो पूरा देश देखता है। अगर छठी मैया को लेकर लोग कहें कि आजादी की लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे क्या बैठ के? अनुराग जी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। अरे सो सर, धर्मों में विश्वास करती है तो रामचरितमानस पर सवाल क्यों? जहां तक बात रही महिषासुर की, तो आप जानिए भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 9% आदिवासी लोग हैं। आदिवासी जितने साथी और भाई बंधु हैं वो ज्यादा झारखंड, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं। ये लोग सभी महिषासुर को अपनी आस्था मानते हैं। अरे सर, तो ऐसे तो रावण को भी लेकर लोग अपनी आस्था मानते हैं। कई लोग हैं, अभी ये बिसरख में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि रावण को लेकर आस्था है कि नहीं है। काम बुरा किया था तो वध किया गया ना। आप महिमा मंडित कर रहे हैं, नहीं तो अब क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगेंगे क्या शिवम जी? ये क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगने पर आ गए क्या? क्योंकि आप देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की बात नहीं है, विपक्षी दलों में ऐसे कई पार्टियां हैं जो खुलकर सनातन के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ बोलती हैं। देखिए, मैं जवाब RJD के मित्र से कहिए मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, वो बोल बोलने दीजिए ना, प्लीज बोलने दीजिए। थैंक यू। हिंदू धर्मों में, अरे अरे हिंदू धर्म के ज्ञाता भैया बस रुक जाइए, नहीं चाहिए और धर्म पर ज्ञान आपसे। पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं, अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा। विषय बहुत साफ है, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, क्या फायदा, आप बोल रहे थे तो नहीं बोला कोई भी। आपके पास RJD के प्रवक्ता ने कहा कि RJD या फिर घमंडिया या फिर इंडी अलायंस सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस को गाली देना सम्मान है तो हिंदू धर्म के लोगों को आपसे सम्मान नहीं चाहिए, आप हमसे नफरत करें। अगर प्लीज आप इनको बंद करेंगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज आप इनको बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलिए ना। आपके मंत्री के बाइट याद नहीं है क्या आपको? चंद्रशेखर जी की बाइट याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है गलत ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गलत है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप इनको रोकेंगे ना प्लीज। सुबोध जी, आप तो प्रोफेसर साहब है ना। अरे सुबोध जी,
आप सुन तो लीजिए, बीजेपी क्या कह रही है वो सुन तो लीजिए। दूसरा, अगर इसके अलावा आप हमारा सम्मान ऐसा करना चाहते हैं कि माता माँ दुर्गा जो है वो काल्पनिक है, महिषासुर जो है राजा है, और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, यही बातें जरा किसी और से पूछकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो, जिनको वोट बैंक मानते हो जरा एक बार पूछ के दिखाओ ना, आपके विधायक और आपके विधायक की गर्दन कहां मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, आप मां दुर्गा का अपमान कर सकते हैं, आप नौ नवरात्रों का अपमान कर सकते हैं, उनकी लड़ाई का अपमान कर सकते हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, और जो चाहे कह सकते हैं। ऐसा ऐसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिंदुओं को आपके ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। प्लीज बीच में बोलना बंद करिए, नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाया हुआ, रुक भी नहीं पा रहे, कैसे पढ़ाते होंगे बच्चों को आप, रुकिए जरा प्लीज, नहीं रुकिए जरा, जब आप बोल रहे थे ये आप ही ने कहा है, ये आप ही के विधायक ने कहा है, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, बात साफ है। आप हमारी आस्था से, आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको वोट की राजनीति करनी है, आपको गाली देनी है किसी और को दीजिए, हमें मत दीजिए। ठीक है शिवम जी और सुबोध जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं, मैं बहुत जल्दी से हमारे साथ आरएलजेडी के भी प्रवक्ता माधव आनंद जी जुड़े हुए। माधव जी, अगर आप बहुत संक्षिप्त में बताएं, क्या मजबूरी है ऐसी मेरे धर्म को लेकर, मेरे भगवान को लेकर कोई टिप्पणी करे, ये मैं कभी नहीं सुन सकता, मैं जो धर्मों में शास्त्रों में पढ़ता आ रहा हूं, नेताजी आकर कोई और मतलब दिखा देते हैं या सिखा देते हैं, ये क्या मजबूरी है कहने की? अनुराग जी, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जो आरजेडी के विधायक हैं फतेह सिंह बाद, उन्होंने कहा कि वो महिषासुर को मानते हैं, तो मुझे लगता है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और सुबोध जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हम दोनों ने बहुत लंबे अरसों तक काम किया है साथ में, प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, अगर वो अगर इस वक्तव्य को इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते और कहते हैं कि उनकी निजी राय हो सकती है तो ये कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। मुझे लगता है पूरी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब से सक्रिय हुए हैं, वैसे तो स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल मिला हुआ है, लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की सामाजिक सौहार्द को जो है सो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तुष्टीकरण नीति के कारण, और बिना लालू यादव के इशारे के शिक्षा मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप रामचरितमानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें, आप मंत्री पद पर बने रहे, पार्टी अगर आप पर कार्रवाई ना करे तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले नेता होंगे वो तो निकलकर सामने आ ही जाएंगे, या हो सकता है पार्टी ने खुद प्लांट किया हो। पार्टी कार्रवाई कैसे करेगी, लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये। ठीक है सर, किस मंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनके बिना कोई बयान दे दे, अगर सनातन को लेकर, अगर रामचरितमानस को लेकर, अगर मां दुर्गा को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है तो लालू प्रसाद यादव करवा रहे हैं इंटेंशनली, तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कोई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, क्यों नहीं बोलते? ठीक है शिवम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, में ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, उसके बाद में फिर धर्मगुरु के पास जाऊंगा। प्रेम जी, ये राजनीतिक जो समीकरण है क्या साधने के लिए है क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर धर्मों के हिसाब से वोट डालेंगे तो 2024 में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जातिवाद के आधार पर अगर आपने बांट दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती, तो क्या यह सब कुछ प्लांड तरीके से उस दिशा में किया जा रहा है, यह बयान? प्रेम कुमार, अनुराग जी देखिए, प्रतिक्रियाएं कौन दे रहा है? एक हिंदू धर्म पर टिप्पणी आज से नहीं, हमेशा लोग करते हैं। हाँ। और जब टिप्पणी होती है, अगर टिप्पणीकार ब्राह्मण है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अगर टिप्पणीकार जो गैर ब्राह्मण है तब उस पर बम्बा बवाल हो जाता है। कौन से टिप्पणीकार ब्राह्मण पे प्रतिक्रिया नहीं हुई? प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं? किस पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं हुई? जाति के हिसाब से थोड़ी भी जाति देखेंगे क्या सर? भगवान ना किसी जाति के हैं ना धर्म के, भगवान भगवान होते हैं, जिसकी आस्था है आस्था है ब्राह्मणों के हैं क्या? कैसी बातें करते हैं? भगवान शिव सिर्फ ब्राह्मणों के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं क्या? ठीक है शिवम भाई, एक बार पूरी दुनिया के, शिवम भाई एक बार उनको कह लेने दीजिए, घंटा शिवम त्यागी से बोलवा लीजिए आप। प्रेम जी बिल्कुल बोल लीजिए, लेकिन गलत बोलेंगे तो जवाब मिलेगा ही ना। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर बोलने की छूट है, बाकी लोगों को छूट नहीं है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पर जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो निबंध लिखना सिखाया जाता है, निबंध में लिखाया जाता है भारत जो है वो धर्म आस्था का देश है, और धर्म आस्था पर इस तरह से प्रहार उसी देश में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी विधायक पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बहादुर सिंह, उन्होंने माँ दुर्गा पर सवाल उठा दिया, पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा दिया। दुर्भाग्य है
कि आरजेडी और नीतीश की सरकार कभी रामायण पे उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, आज माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा हैं, विद्यादायिनी हैं, हर कई रूप हैं उनके, ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं। इनका इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देवताओं पर ये कोई कटाक्ष कर सके, क्यों ये लोग कमजोर आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो जानते हैं अगर मैं मुसलमानों के कुरान पर कोई कमेंट कर दूं तो सर तन से जुदा हो जाएगा, यही कारण है। हिंदू एकजुट ना हो ये भी कोशिश हो रही है क्या कि इस तरह के बयान देकर उनको बांट दिया जाए, जाति धर्म में उलझा दिया जाए? ये तो शुरू से रहा है, हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा है कि हिंदुओं को जात में बांटने का काम ये सरकार करना। अब बेचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी कटते हैं, ये हिंदुओं के दुर्दशा है। लेकिन भूले नहीं लालू जी और नीतीश जी, हिंदू के सहिष्णुता की परीक्षा न ले। आज छपरा में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ, वहां भी पत्थरबाजी की गई यात्रा पे, बेगूसराय में आप थे ही। ये तो कई बरसों से जब से मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है, बिहार में तो 19 जिले लगभग रहे हैं आज से कई साल पहले, जहां रूट चेंज कर देना, दुर्गा की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना, आज छपरा हो या मुजफ्फरपुर। गिरिराज सिंह को आपने सुना, गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, कई बार हिंदुत्व को लेकर बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए। मैं बहुत जल्दी से शिवानी दुर्गा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके तो नाम में भी दुर्गा है मैम, तो मुझे आप बताइए कि ये जब टिप्पणियां आप हमारे देश के राजनीतिज्ञों से सुनती हैं कैसा लगता है आपको? और दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना वाकई इतना आसान है कि चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के आप कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, आपको माफी है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं? जी, हर हर महादेव आप सभी को। आपने दो प्रश्न पूछे हैं। मैं सुन रही थी फतेह बहादुर सिंह जी को, जो वो बोल रहे थे, और उसमें मैंने पढ़ा भी, उसमें लिखा था कि ये महिषासुर के वंशज स्वयं को बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये महिषासुर के वंशज हैं तो महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। हम माँ दुर्गा की सेविका हैं, भक्त हैं, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ति करते हैं माँ दुर्गा की। तो आप सभी जानते हैं कि महिषासुर नृप अति अभिमानी, उनका जो है क्या हाल माँ दुर्गा ने किया था। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते हैं, बुद्धिहीन सपने हु सुख नाही, ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति करते हैं कि शक्ति को ललकारते हैं, क्योंकि इनका अंत निकट होता है। जब अंत निकट होता है तो हम देवताओं को, शक्ति को, भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं, तो इनके साथ भी वही होगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक की राजनीति है, उसी समय पर ये किया जाता है। अब क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है, इस सरकार को या ये जो भी लोग हैं इन्हें कोई पूछता नहीं। लेकिन मैम, क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना इतना आसान है क्या? कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा? देखिए, हिंदू धर्म को टारगेट करना आसान नहीं है, इसीलिए टारगेट किया जाता है, जो शक्तिशाली होता है उसी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो इन्हें ये भय भयभीत है हिंदू धर्म से, हिंदुत्व की एकता से, हिंदुओं के एक होने से, सनातन क्या फिर से उदय होने से, ये लोग भयभीत हैं, इसलिए अटैक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। सुबोध जी, आपने सारी बातों को सुना, मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं, पहले धर्म और आस्था के आधार पर आपसे समझ लेता हूं कि साहब आप भी तो किसी न किसी को तो मानते होंगे भगवान के तौर पर, किसी न किसी को एक्सट्रीम शक्ति मानते होंगे, तो किसी को हक थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए। देखिए अनुराग जी, राष्ट्रीय जनता दल किसी भी धार्मिक भावनाओं को, राष्ट्रीय जनता दल के ही तो नेता है ना, विधायक तो आप ही के है ना। दीजिए ना महाशय, आपने क्वेश्चन पूछा है, बोलने दीजिए जी। कोई नहीं तो आप डाल रहे ना, आप घुमा रहे। सबसे पहली लाइन में आपसे सबसे सटीक सवाल पूछा था। अनुराग जी, हमें ये बताइए, जो ट्राइबल है, आदिवासी है, वो हिंदू है कि नहीं है? आपको पता है असुर जनजाति पाई जाती है झारखंड में,
आपको मध्य प्रदेश में और असम में और बंगाल में आपको पता है महिषासुर मतलब, नाम पे मतलब विधायक जी जो है वो उस असुर जाति का उस ट्राइबल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसा क्या? 9% लोग हैं जो महिषासुर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ। ये भी हिंदू धर्म के अंदर ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फतेह बहादुर जी कह रहे हैं वो उनकी पर्सनल। अच्छा चलिए ठीक है, आप महिषासुर की पूजा कर लीजिए, कौन किसकी पूजा कर रहा है दिस इज नन ऑफ एनीबॉडी एल्स बिजनेस, बट द पॉइंट इज आप ये मुझे बताइए कि माँ दुर्गा आपके लिए काल्पनिक है क्या, आपकी पार्टी के लिए काल्पनिक है? महिषासुर की पूजा कीजिए आप, चलिए आप कर लीजिए, हो सकता है आपको वोट मिलते हो, लेकिन आप माँ दुर्गा को काल्पनिक मानेंगे? सुनिए अनुराग जी, हिंदू धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहाँ पे सर फटोगल कोई क्यों रहे? अरे तो सर अरे ना मानिए आप, सार्वजनिक मंच से लोगों की भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? धर्म में विश्वास करती है, हर किसी में विश्वास करती है, अगर कोई मुझे एक बात बताइए, नहीं एक मिनट सुबोध जी, सुबोध जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा, सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर और इस देश में है, ठीक है सुबोध जी एक चीज का मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं शिवम जी के पास जा रहा हूं। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो इसमें दूसरों की भावना क्यों आहत कर रहे हैं आप अपने तक सीमित रखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक्षेप कर दे या आरजेडी पर कोई टिप्पणी कर दे तो आप चुप बैठते हैं क्या कभी? आप तो जवाब देने निकल जाते हैं, आप जैसे कई प्रवक्ता आ जाते हैं, तो किसी के धर्म पर आप इतना बोले उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, आप सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लें कि वो उनकी विचारधारा है। अरे पल्ला झाड़ना होता है अनुराग जी तो आपके डिबेट में हम क्यों आते हैं? तो यहाँ पर भी आप सटीक मांग कर रहे हैं सर, आप मानिए कि आपकी पार्टी का लाइन है महिषासुर वाली, आप मान लीजिए, मैं बोल दूंगा ठीक है साहब आपने आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का लाइन है, सब आस्था और सब धर्मों के में हम विश्वास करते हैं। ये तो शिवम त्यागी जी छुपने वाली बात है ना, 24 के लिहाज से आप पुष्टिकरण भी कर लें, जाति के आधार पर बंटवारा भी कर लें और फिर कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो आपकी तरफ है। शिवम जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा माधव जी, आप उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आरजेडी की बात करें खासतौर पर, तो वो पार्टी महिषासुर को मानने वाली पार्टी है, अगर ये महिषासुर को नहीं मानते तो इन्होंने अपने विधायक के बारे में क्या किया, क्या उसको इन्होंने कुछ कहा, क्या इसको उन्होंने डांटा, क्या इसको उन्होंने माफी मांगने को कहा, फिर भी उसके बाद में भी जी अरे भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, विंडो बंद है, उसमें भी आप बोले जा रहे हैं रुक जाइए, ये ट्रेनिंग कहां से लेकर आए हैं, रुक जाइए भाई, अभी इनको प्लीज रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे सर नहीं बोल रहा तो नहीं, सुबोध जी एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट शिवम जी मैं एक बात कह दूं फिर मैं सुबोध जी आपको आपका माइक ऑफ करवा दूंगा। सुबोध जी एक बहुत सिंपल सी बात है, ये मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक भगवान श्री राम को काल्पनिक लोग कहते थे, 2024 का चुनाव आते आते आज लोग इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो हमें बुला क्यों नहीं रहा है, और वो आपके ही सहयोगी। तो ये सच्चाई है सर कि जब आप काल्पनिक कहते तब आप सोचते नहीं है, ठीक है शिवम जी प्लीज, थैंक यू। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ कथित प्रोफेसर साहब रुक जाइए, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, वो चुप नहीं होंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मां दुर्गा को काल्पनिक बताया है आरजेडी वालों ने, इसी तरीके से ये तो कुछ भी कह सकते हैं। आने वाले समय में छठी मैया का त्योहार आने वाला है, छठ करता है पूरा देश, और छठी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और भगवान सूर्य की बहन माना गया, ये तो उसको भी काल्पनिक मानते हैं फिर इसका मतलब, तो ये इतना ढोंग क्यों करते हो भाई, ये पूरा छठी मैया की इतनी पूजा क्यों करते हो? अगर सनातन में विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, माँ दुर्गा में विश्वास नहीं है, छठी मैया में विश्वास नहीं है, कोई भी उनको गाली दे सकता है, कोई भी उनको काल्पनिक कह सकता है, कोई भी उनको गलत बता सकता है, कोई भी उनको महिषासुर से छोटा कर सकता है, कोई भी उनको कह सकता है कि ये हुआ ही नहीं, और अगर ये हुआ है तो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं आपने लड़ाई लड़ी, तो फिर मानकर ये ड्रामा क्यों करते हो, ये बैठकर पूजा करकर उसका लाइव प्रसारण क्यों करवाते हो? अगर हिंदू धर्म को गाली ही देनी है तो उसी पर चुनाव लड़ो ना, उसी पर गाली ही दो, लेकिन गाली भी देनी है, हम किसी धर्म का अपमान भी नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, और अपने विधायक को कुछ कहते भी नहीं, अपने मंत्री को कुछ कहते भी नहीं, वोट बैंक खिसकता है ना सर, नहीं तो वोट बैंक खिसकता है तो भगवान को कम से कम वोट बैंक में ना लाए ना, माँ दुर्गा को वोट बैंक में ना लाए, छठी मैया को वोट बैंक में ना लाए। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या मानो तो देवता नहीं तो पत्थर वाला स्टेटमेंट किसी को इस बात की इजाजत देता है कि कोई किसी को धार्मिक तौर पर आहत कर ले? देखिए मेरा जवाब आप लेंगे तभी हम जवाब दे सकते सर, मैंने इसीलिए आप लोग बोलने ही नहीं देते तो हम क्या बोले, अब क्यों बुलाते मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो एक लाइन बोलता हूँ आप रोक देते सर, आप पिछली बार भी आए हमको बोलने नहीं दिया, ब्राह्मण को बोलने दिया जा रहा नहीं बोलने दिया जा रहा, तो इस पे मैं क्या बताइए? मैं फिर कहता हूँ
कि अगर प्रेम जी कबूतर से चिट्ठी लिखा के भेज दीजिएगा जवाब। आपने तो प्रोफेसर साहब को बता दिया कि कथित प्रोफेसर, वो बात ऐसी कर रहे हैं भाई, कथित प्रोफेसर कमाल बात है। आपने मैं प्रोफेसर का सम्मान करता हूँ लेकिन भगवान को भी मानता हूँ अपने, और भगवान सबसे सर्वोपरि है, माँ दुर्गा सबसे सर्वोपरि है भाई, छठी मैया सबसे सर्वोपरि है। आप यहाँ बैठकर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं, आप प्रोफेसर भी है और आप अगर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं सुनूंगा मैं। एक बार सुन लेते हैं। मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी, क्यों सुनूं मैं? अरे प्रेम जी आप उलझ जाते हैं। अगर मेरे धर्म को गाली देंगे तो क्यों सुनूं मैं? आप बोलिए प्रोफेसर सम्मान है उस बात का, लेकिन गाली नहीं दे सकते आप। ठीक है प्रेम जी, बोलिए आप, बिल्कुल बोलिए प्रोफेसर सुबल। प्रेम जी प्लीज अपनी बात को कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपनी बात रखने दीजिए मुझे, प्लीज रखिए। टिप्पणीकार देखिए, जब सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि रावण के बारे में गलत इतिहास बताया जाता है, रावण उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी और उन्होंने सर रावण के अस्तित्व पर थोड़ी सवाल उठा दिया था। बात सर आप जो बात कह रहे हैं भाई यही तो बात है, बोलने नहीं दे रहे ना आप मेरी सर, बात तो स्पष्ट आप, करने आप जानते हैं सर, इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं, वक्त की लिमिटेशन होती है ना सर, ऐसे थोड़ी कि आप जो बोलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर क्षेत्र के हिसाब से बताया तो भगवान श्री राम पर टिप्पणी करते हुए थोड़ी कहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं है। बहरहाल सर मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए आप रुख करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो का। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बयानवीर नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि चुनाव करीब आ रहे हैं, इसीलिए जहरीली बयानबाजी क्या की जा रही है? कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयानबाजी की। इधर रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने संभाला था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो हिंदुओं के धर्मग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले बयानवीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब मां दुर्गा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक जी के मुताबिक मां दुर्गा काल्पनिक हैं और मां दुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है। विधायक फतेह बहादुर यहीं नहीं रुके, उन्होंने महिषासुर का भी महिमा मंडन कर दिया, कहा कि महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं को तार तार करने के लिए विधायक जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जरा एक बार बयान सुनिए। लोहा कहीं आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ। जब 3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहे का तलवार और लोहे का चक्र लाखों वर्ष पहले कहाँ से आया, ये साबित करता है कि ये काल्पनिक है। मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूँ जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के हज के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी, दसों हाथ का औजार कहाँ था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? समाजवादी राजा जो राज्य में किसी भी प्रकार के पखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। द्वितीय अध्याय इसमें देखिए, माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? और आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कन्नी काट ली। अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आरजेडी खुद भी मुश्किलों में फंसा गिरती देख रही है। अब तक आरजेडी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई जवाबी टिप्पणी नहीं की। लालू और तेजस्वी की चुप्पी सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर सनातन के विरोध का दांव चला गया? बीजेपी और जेडीयू के बयानों को आप सुनिए और समझिए कि इसके पीछे की सियासत क्या क्या है। मां भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए।
सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को, और हमारे जो सनातन के सदगुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें तेजस्वी यादव जी कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई। और चलिए मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो के बहस के सवाल क्या हैं। आरजेडी के बयान बहादुर तो क्या पूर्वज महिषासुर है, सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल ये भी कि लोकसभा फतेह के लिए क्या ये पूरा फसादी प्लान तैयार किया गया, क्योंकि नेता इक्के दुक्के नहीं है या एक दो पार्टी के नहीं है, कई सारे विपक्षी नेता है। सवाल ये कि सनातन पर ठेस, तो क्या विपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लग गई। अगला सवाल, जात पात धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे, क्या बिहार को सुलगाएंगे। सवाल ये भी कि हिंदू धर्म पर चोट, तो क्या MY एजेंडे से वोट पालेंगे। सवाल अगला ये कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ माधव आनंद हैं, RLJD के नेता हैं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, RJD के नेता। और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। मुझे बताइए कि ये जो आपके विधायक जी कह रहे हैं, ये क्या आप लोग भी सच मानते हैं, क्या ये पार्टी का स्टैंड है क्या? क्योंकि आप देखें कि पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाना, वो अभी पूरा विवाद सुलझा नहीं, उस पर मामले शांत नहीं हुए, अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और अब वो मां दुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आप लोग क्या वाकई में मां दुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह रखते हैं क्या RJD के लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों में, सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के मूल्यों पे चलती है और संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हर धर्म संभव, मतलब सभी धर्मों को। तो ये आपके विधायक को ये संविधान का नियम नहीं पता क्या सर? अभी मैं बता रहा हूं ना, तो जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले, और ये है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उनको लगता है कि भाई ये बातें जो है वो तार्किक मेरे हिसाब से नहीं, नहीं है, नहीं, अरे सर सुबोध सर, आप तो प्रोफेसर साहब है, मैं आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद रखता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा, तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या, इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या? देखिए, एकदम मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सभी आस्थाओं में विश्वास रखती है। जहां तक फतेह जी की जो बात है, फतेह बहादुर जी ने जो बात कही है, अपनी आस्था उनको लगता है कि सुबोध जी, ऐसा सुर में सुबोध जी, आस्था सुबोध जी, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजिए कि राबड़ी देवी छठ पूजा करती है ना, उसकी तस्वीर तो पूरा देश देखता है, अगर छठी मैया को लेकर लोग कहें कि आजादी की लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे क्या बैठ के? अनुराग जी मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। अरे सर, धर्मों में विश्वास करती है तो रामचरितमानस पर सवाल क्यों? जहां तक बात रही महिषासुर की, तो आप जानिए भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 9% आदिवासी लोग हैं। आदिवासी जितने साथी और भाई बंधु हैं वो ज्यादा झारखंड, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं। ये लोग सभी महिषासुर को अपनी आस्था मानते हैं। अरे सर, तो ऐसे तो रावण को भी लेकर लोग अपनी आस्था मानते हैं, कई लोग हैं। अभी ये बिसरख में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि रावण को लेकर आस्था है कि नहीं है। काम बुरा किया था तो वध किया गया ना। आप महिमा मंडित कर रहे हैं, तो अब क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगेंगे क्या शिवम जी? ये क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगने पर आ गए क्या? क्योंकि आप देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की बात नहीं है, विपक्षी दलों में ऐसे कई पार्टियां हैं जो खुलकर सनातन के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ बोलती हैं। देखिए, मैं जवाब RJD के मित्र से कहिए मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, वो बोलने दीजिए ना, प्लीज बोलने दीजिए। थैंक यू। हिंदू धर्मों में, अरे अरे हिंदू धर्म के ज्ञाता भैया बस रुक जाइए, नहीं चाहिए और धर्म पर ज्ञान आपसे। पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं, अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा। विषय बहुत साफ है, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, क्या फायदा, आप बोल रहे थे तो नहीं बोला कोई भी। आपके पास RJD के प्रवक्ता ने कहा कि RJD या फिर घमंडिया या फिर इंडिया अलायंस सभी धर्मों का सम्मान करता है।
अगर रामचरितमानस को गाली देना सम्मान है तो हिंदू धर्म के लोगों को आपसे सम्मान नहीं चाहिए, आप हमसे नफरत करें। अगर प्लीज आप इनको बंद करेंगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज आप इनको बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलिए ना। आपके मंत्री के बाइट याद नहीं है क्या आपको? चंद्रशेखर जी की बाइट याद नहीं है कि उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है गलत ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गलत हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। आप इनको रोकेंगे ना प्लीज? सुबोध जी आप तो प्रोफेसर साहब है ना। अरे सुबोध जी आप सुन तो लीजिए, बीजेपी क्या कह रही है वो सुन तो लीजिए। दूसरा, अगर इसके अलावा आप हमारा सम्मान ऐसा करना चाहते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो काल्पनिक है, महिषासुर जो है राजा हैं, और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, यही बातें जरा किसी और से पूछकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। जिनको वोट बैंक मानते हो जरा एक बार पूछ के दिखाओ ना, आपके विधायक और आपके विधायक की गर्दन कहां मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, आप मां दुर्गा का अपमान कर सकते हैं, आप नौ नवरात्रों का अपमान कर सकते हैं, उनकी लड़ाई का अपमान कर सकते हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, और जो चाहे कह सकते हैं। ऐसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिंदुओं को आपके ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। प्लीज बीच में बोलना बंद करिए, नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाया हुआ, रुक भी नहीं पा रहे। कैसे पढ़ाते होगे बच्चों को आप? रुकिए जरा प्लीज, रुकिए जरा, जब आप बोल रहे थे ये आप ही ने कहा है, ये आप ही के विधायक ने कहा है, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। बात साफ है, आप हमारी आस्था से, आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको वोट की राजनीति करनी है, आपको गाली देनी है, किसी और को दीजिए, हमें मत दीजिए। ठीक है शिवम जी और सुबोध जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं। मैं बहुत जल्दी से हमारे साथ आरएलजेडी के भी प्रवक्ता माधव आनंद जी जुड़े हुए। माधव जी, अगर आप बहुत संक्षिप्त में बताएं क्या मजबूरी ऐसी मेरे धर्म को लेकर, मेरे भगवान को लेकर कोई टिप्पणी करे, ये मैं कभी नहीं सुन सकता। मैं जो धर्मों में शास्त्रों में पढ़ता आ रहा हूं, नेताजी आकर कोई और मतलब दिखा देते हैं या सिखा देते हैं, ये क्या मजबूरी है कहने की? अनुराग जी, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जो आरजेडी के विधायक हैं फतेह सिंह बहादुर, उन्होंने कहा कि वो महिषासुर को मानते हैं, तो मुझे लगता है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और सुबोध जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हम दोनों ने बहुत लंबे अरसों तक काम किया है, साथ में प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अगर इस वक्तव्य को, इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते और कहते हैं कि उनकी निजी राय हो सकती है तो ये कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। मुझे लगता है पूरी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब से सक्रिय हुए हैं, वैसे तो स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल मिला हुआ है, लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की सामाजिक सौहार्द को जो है सो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तुष्टिकरण नीति के कारण, और बिना लालू यादव के इशारे के शिक्षा मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप रामचरितमानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें, आप मंत्री पद पर बने रहे, पार्टी अगर आप पर कार्रवाई ना करे तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले नेता होंगे वो तो निकलकर सामने आ ही जाएंगे, या हो सकता पार्टी, है पार्टी ने खुद प्लान किया। पार्टी कार्रवाई कैसे करेगी? लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये। ठीक है सर, मैं किस मंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनके बिना कोई बयान दे दे? उनके बिना कोई बयान दे दे? सनातन को लेकर, अगर रामचरितमानस को लेकर, अगर माँ दुर्गा को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है तो लालू प्रसाद यादव करवा रहे हैं इंटेंशनली, तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कोई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। क्यों नहीं बोलते? शिवम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं फिर धर्मगुरु के पास जाऊंगा। प्रेम जी, ये राजनीतिक जो समीकरण है, क्या साधने के लिए है क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर धर्मों के हिसाब से वोट डालेंगे तो 2024 में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जातिवाद के आधार पर अगर आपने बांट दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती। तो क्या यह सब कुछ प्लांड तरीके से उस दिशा में किया जा रहा है, यह बयान? प्रेम कुमार, अनुराग जी देखिए, प्रतिक्रियाएं कौन दे रहा है? एक हिंदू धर्म पर टिप्पणी आज से नहीं, हमेशा लोग करते हैं। और जब टिप्पणी होती है, अगर टिप्पणीकार ब्राह्मण है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अगर टिप्पणीकार जो गैर ब्राह्मण है तब उस पर बम्बा बवाल हो जाता है। कौन से टिप्पणीकार ब्राह्मण पे प्रतिक्रिया नहीं हुई? प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं? किस पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं? सर, जाति के हिसाब से थोड़ी भी जाति देखेंगे क्या? सर, भगवान ना किसी जाति के हैं ना धर्म के, भगवान भगवान होते हैं, जिसकी आस्था है आस्था है ब्राह्मणों के। क्या कैसी बातें करते हैं? भगवान शिव सिर्फ ब्राह्मणों के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं क्या? शिवम भाई पूरी दुनिया के, शिवम भाई एक बार उनको कह लेने दीजिए, घंटा शिवम त्यागी से बोलवा लीजिए आप। प्रेम जी बिल्कुल बोल लीजिए, लेकिन गलत बोलेंगे तो जवाब मिलेगा ही ना। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर बोलने की छूट है, बाकी लोगों को छूट नहीं है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पर जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो निबंध लिखना सिखाया जाता है, निबंध में लिखाया जाता है
भारत जो है वो धर्म आस्था का देश है और धर्म आस्था पर इस तरह से प्रहार उसी देश में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी विधायक पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बहादुर सिंह, उन्होंने माँ दुर्गा पर सवाल उठा दिया। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा दिया। दुर्भाग्य है कि आरजेडी और नीतीश की सरकार कभी रामायण पे उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, आज माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा हैं, विद्यादायिनी हैं, हर नौ कई रूप हैं उनके, ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं। इनका इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देवताओं पर ये कोई कटाक्ष कर सके, क्यों? ये लोग कमजोर आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो जानते हैं अगर मैं मुसलमानों के कुरान पर कोई कमेंट कर दूं तो सर तन से जुदा हो जाएगा, यही कारण। हिंदू एकजुट ना हो ये भी कोशिश हो रही है क्या कि इस तरह के बयान देकर उनको बांट दिया जाए, जाति धर्म में उलझा दिया जाए? ये तो शुरू से रहा है, हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा है कि हिंदुओं को जात में बांटने का काम ये सरकार करना। अब बेचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी कटते हैं, ये हिंदुओं के दुर्दशा है। लेकिन भूले नहीं लालू जी और नीतीश जी, हिंदू के सहिष्णुता की परीक्षा न ले। आज छपरा में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ, वहां भी पत्थरबाजी की गई यात्रा पे, बेगूसराय में आप थे ही। ये तो कई बरसों से जब से मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है, बिहार में तो 19-19 जिले लगभग रहे हैं आज से कई साल पहले, जहाँ रूट चेंज कर देना, दुर्गा की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना, आज छपरा हो या मुजफ्फरपुर। गिरिराज सिंह को आपने सुना, गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, कई बार हिंदुत्व को लेकर बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए। मैं बहुत जल्दी से शिवानी दुर्गा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके तो नाम में भी दुर्गा है मैम, तो मुझे आप बताइए कि ये जब टिप्पणियां आप हमारे देश के राजनीतिज्ञों से सुनती हैं कैसा लगता है आपको? और दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना वाकई इतना आसान है कि चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के आप कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, आपको माफी है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं? जी, हर हर महादेव आप सभी को। आपने दो प्रश्न पूछे हैं, मैं सुन रही थी फतेह बहादुर सिंह जी को जो वो बोल रहे थे, और उसमें मैंने पढ़ा भी, उसमें लिखा था कि ये महिषासुर के वंशज स्वयं को बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये महिषासुर के वंशज हैं तो महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। हम माँ दुर्गा की सेविका हैं, भक्त हैं, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ति करते हैं माँ दुर्गा की। तो आप सभी जानते हैं कि महिषासुर नृप अति अभिमानी, उनका जो है क्या हाल माँ दुर्गा ने किया था। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते हैं, बुद्धिहीन सपने हु सुख नाही, ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति करते हैं कि शक्ति को ललकारते हैं, क्योंकि इनका अंत निकट होता है। जब अंत निकट होता है तो हम देवताओं को, शक्ति को, भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं, तो इनके साथ भी वही होगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक की राजनीति है, उसी समय पर ये किया जाता है। अब क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है, इस सरकार को या ये जो भी लोग हैं इन्हें कोई पूछता नहीं। लेकिन मैम, क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना इतना आसान है क्या? कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म को टारगेट करना आसान नहीं है, इसीलिए टारगेट किया जाता है, जो शक्तिशाली होता है उसी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो इन्हें ये भय भयभीत हैं हिंदू धर्म से, हिंदुत्व की एकता से, हिंदुओं के एक होने से, सनातन क्या फिर से उदय होने से ये लोग भयभीत हैं, इसलिए अटैक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। सुबोध जी, आपने सारी बातों को सुना, मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं, पहले धर्म और आस्था के आधार पर आपसे समझ लेता हूं कि साहब आप भी तो किसी न किसी को तो मानते होंगे भगवान के तौर पर, किसी न किसी को एक्सट्रीम शक्ति मानते होंगे,
तो किसी को हक थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए। देखिए अनुराग जी, राष्ट्रीय जनता दल किसी भी धार्मिक भावनाओं को, राष्ट्रीय जनता दल के ही तो नेता है ना, विधायक तो आप ही के हैं ना। दीजिए ना महाशय, आपने क्वेश्चन पूछा है, बोलने दीजिए जी। कोई नहीं तो आप टाल रहे हैं सर, आप घुमा रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन में आपसे सबसे सटीक सवाल पूछा था। अनुराग जी हमें ये बताइए, जो ट्राइबल है, आदिवासी है, वो हिंदू है कि नहीं है? आपको पता है असुर जनजाति पाई जाती है झारखंड में, आपको मध्य प्रदेश में और असम में और बंगाल में, आपको पता है? महिषासुर मतलब विधायक जी जो है वो उस असुर जाति का, उस ट्राइबल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा क्या? 9% लोग हैं जो महिषासुर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी हिंदू धर्म के अंदर ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फतेह बहादुर जी कह रहे हैं वो उनकी पर्सनल। अच्छा चलिए ठीक है, आप महिषासुर की पूजा कर लीजिए, कौन किसकी पूजा कर रहा है, दिस इज नन ऑफ एनीबॉडी एल्स बिजनेस। बट द पॉइंट इज, आप ये मुझे बताइए कि माँ दुर्गा आपके लिए काल्पनिक है क्या, आपकी पार्टी के लिए काल्पनिक है? महिषासुर की पूजा कीजिए आप, चलिए आप कर लीजिए, हो सकता है आपको वोट मिलते हो, लेकिन आप माँ दुर्गा को काल्पनिक मानेंगे? सुनिए अनुराग जी, हिंदू धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहाँ पे सर फटोगल कोई क्यों रहे? अरे तो सर अरे ना मानिए, आप सार्वजनिक मंच से लोगों की भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? धर्म में विश्वास करती है, हर किसी में विश्वास करती है, अगर कोई मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं एक मिनट, सुबोध जी, सुबोध जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर और इस देश में है, ठीक है? सुबोध जी एक चीज का मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं शिवम जी के पास जा रहा हूँ। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो इसमें दूसरों की भावना क्यों आहत कर रहे हैं आप अपने तक सीमित रखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक्षेप कर दे या आरजेडी पर कोई टिप्पणी कर दे तो आप चुप बैठते हैं क्या? कभी आप तो जवाब देने निकल जाते हैं, आप जैसे कई प्रवक्ता आ जाते हैं। तो किसी के धर्म पर आप इतना बोले उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, आप सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लें कि वो उनकी विचारधारा है। अरे पल्ला झाड़ना होता अनुराग जी तो आपके डिबेट में हम क्यों आते हैं? तो यहाँ पर भी आप सटीक मांग कर रहे हैं सर, आप मानिए कि आपकी पार्टी का लाइन है महिषासुर वाली, आप मान लीजिए, मैं बोल दूंगा ठीक है साहब, आपने आप एक्सेप्ट कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का लाइन है, सब आस्थाओं सब धर्मों के में हम विश्वास करते हैं। ये तो शिवम त्यागी जी छुपने वाली बात है ना, 24 के लिहाज से आप पुष्टिकरण भी कर लें, जाति के आधार पर बंटवारा भी कर लें और फिर कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो आपकी तरफ हैं। शिवम जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। माधव जी आप उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। शिवम जी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आरजेडी की बात करें खासतौर पर, तो वो पार्टी महिषासुर को मानने वाली पार्टी है। अगर ये महिषासुर को नहीं मानते तो इन्होंने अपने विधायक के बारे में क्या किया? क्या उसको इन्होंने कुछ कहा? क्या इसको उन्होंने डांटा? क्या इसको उन्होंने माफी मांगने को कहा? फिर भी उसके बाद में भी जी जी, अरे भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, विंडो बंद है, उसमें भी आप बोले जा रहे हैं, रुक जाइए, ये ट्रेनिंग कहाँ से लेकर आए हैं, रुक जाइए भाई, अभी इनको प्लीज रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे सर नहीं बोल रहा तो नहीं, सुबोध जी एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट शिवम जी, मैं एक बात कह दूं फिर मैं सुबोध जी आपको आपका माइक ऑफ करवा दूंगा। सुबोध जी एक बहुत सिंपल सी बात है, ये मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक भगवान श्री राम को काल्पनिक लोग कहते थे, 2024 का चुनाव आते आते आज लोग इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो हमें बुला क्यों नहीं रहा है, और वो आपके ही सहयोगी। तो ये सच्चाई है सर कि जब आप काल्पनिक कहते हैं तब आप सोचते नहीं है। ठीक है शिवम जी प्लीज, थैंक यू। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ कथित प्रोफेसर साहब रुक जाइए, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, वो चुप नहीं होंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माँ दुर्गा को काल्पनिक बताया है आरजेडी वालों ने, इसी तरीके से ये तो कुछ भी कह सकते हैं। आने वाले समय में छठी मैया का त्योहार आने वाला है, छठ करता है पूरा देश, और छठी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और भगवान सूर्य की बहन माना गया, ये तो उसको भी काल्पनिक मानते हैं फिर इसका मतलब। तो ये इतना ढोंग क्यों करते हो भाई, ये पूरा छठी मैया की इतनी पूजा क्यों करते हो? अगर सनातन में विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, माँ दुर्गा में विश्वास नहीं है, छठी मैया में विश्वास नहीं है, कोई भी उनको गाली दे सकता है, कोई भी उनको काल्पनिक कह सकता है, कोई भी उनको गलत बता सकता है, कोई भी उनको महिषासुर से छोटा कर सकता है, कोई भी उनको कह सकता है कि यह हुआ ही नहीं, और अगर यह हुआ है तो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं आपने लड़ाई लड़ी, तो फिर मानकर ये ड्रामा क्यों करते हो? ये बैठकर पूजा करके उसका लाइव प्रसारण क्यों करवाते हो? अगर हिंदू धर्म को गाली ही देनी है तो उसी पर चुनाव लड़ो ना, उसी पर गाली ही दो,
लेकिन गाली भी देनी है, हम किसी धर्म का अपमान भी नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, और अपने विधायक को कुछ कहते भी नहीं, अपने मंत्री को कुछ कहते भी नहीं। वोट बैंक खिसकता है ना सर? नहीं तो वोट बैंक खिसकता है तो भगवान को कम से कम वोट बैंक में ना लाए ना, माँ दुर्गा को वोट बैंक में ना लाए, छठी मैया को वोट बैंक में ना लाए। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या मानो तो देवता नहीं तो पत्थर वाला स्टेटमेंट किसी को इस बात की इजाजत देता है कि कोई किसी को धार्मिक तौर पर आहत कर ले? देखिए मेरा जवाब आप लेंगे तभी हम जवाब दे सके सर, मैंने इसीलिए आप लोग बोलने ही नहीं देते तो हम क्या बोले, अब क्यों बुलाते मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो एक लाइन बोलता हूँ आप रोक देते सर। आप ये पिछली बार भी आए उनको बोलने नहीं दिया, ब्राह्मण को बोलने दिया जा रहा नहीं बोलने दिया जा रहा, तो इस पे मैं क्या करूं बताइए। मैं फिर कहता हूँ कि अगर प्रेम कबूतर से चिट्ठी लिखा के भेज दीजिएगा जवाब। आपने तो प्रोफेसर साहब को बता दिया कि कथित प्रोफेसर, वो बात ऐसी कर रहे हैं भाई, कथित प्रोफेसर कमाल बात है। आपने मैं प्रोफेसर का सम्मान करता हूँ लेकिन भगवान को भी मानता हूँ अपने, और भगवान सबसे सर्वोपरि है, माँ दुर्गा सबसे सर्वोपरि है भाई, छठी मैया सबसे सर्वोपरि है। आप यहाँ बैठकर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं आप प्रोफेसर भी है और आप अगर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं सुनूंगा मैं, एक बार सुन लेते, मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी, क्यों सुनूं मैं? अरे प्रेम जी आप लग जाते हैं, अगर मेरे धर्म को गाली देंगे तो क्यों सुनूं मैं? आप बोले प्रोफेसर सम्मान है उस बात का लेकिन गाली नहीं दे सकते आप, ठीक है प्रेम जी बोलिए आप बिल्कुल बोलिए। प्रोफेसर सुबह प्रेम जी प्लीज अपनी बात को कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपनी बात रखने दीजिए मुझे प्लीज। रखिए टिप्पणीकार देखिए, जब सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि रावण के बारे में गलत इतिहास बताया जाता है, रावण उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी और उन्होंने सर रावण के अस्तित्व पे थोड़ी सवाल उठा दिया था सर, आप जो बात कह रहे हैं भाई यही तो बात है, बोलने नहीं दे रहे ना आप मेरी सर, बात तो स्पष्ट आप, करने आप जानते हैं सर इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं, वक्त की लिमिटेशन होती है ना सर, ऐसे थोड़ी आप जो बोलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर क्षेत्र के हिसाब से बताया तो भगवान श्री राम पर टिप्पणी करते हुए थोड़ी कहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं है। बहरहाल सर मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो का। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बयानवीर नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि चुनाव करीब आ रहे हैं इसीलिए जहरीली बयानबाजी क्या की जा रही है? कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयानबाजी की, इधर रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने संभाला था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले बयानवीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब माँ दुर्गा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक जी के मुताबिक माँ दुर्गा काल्पनिक हैं और माँ दुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है। विधायक फतेह बहादुर यहीं नहीं रुके, उन्होंने महिषासुर का भी महिमा मंडन कर दिया, कहा कि महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं को तार तार करने के लिए विधायक जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जरा एक बार बयान सुनिए। लोहा कही आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ। जब 3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहे का तलवार और लोहे का चक्र लाखों वर्ष पहले कहां से आया, ये साबित करता है कि ये काल्पनिक है। मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी, दसों हाथ का औजार कहाँ था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? समाजवादी राजा जो राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। द्वितीय अध्याय इसमें देखिए, माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं?
और आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कन्नी काट ली। अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आरजेडी खुद भी मुश्किलों में फंसा गिरती देख रही है। अब तक आरजेडी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई जवाबी टिप्पणी नहीं की। लालू और तेजस्वी की चुप्पी सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर सनातन के विरोध का दांव चला गया। बीजेपी और जेडीयू के बयानों को आप सुनिए और समझिए कि इसके पीछे की सियासत क्या है। मां भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को, और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें। तेजस्वी यादव जी, कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई। और चलिए मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो के बहस के सवाल क्या हैं। आरजेडी के बयान बहादुर तो क्या पूर्वज महिषासुर है, सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी कि लोकसभा फतेह के लिए क्या यह पूरा फसादी प्लान तैयार किया गया, क्योंकि नेता इक्के दुक्के नहीं है या एक दो पार्टी के नहीं है, कई सारे विपक्षी नेता है। सवाल यह कि सनातन पर ठेस तो क्या विपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लग गई। अगला सवाल, जात पात धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे, क्या बिहार को सुलगाएंगे। सवाल यह भी कि हिंदू धर्म पर चोट तो क्या MY एजेंडे से वोट पालेंगे। सवाल अगला ये कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ माधव आनंद है, RLJD के नेता हैं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, RJD के नेता। और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। मुझे बताइए कि ये जो आपके विधायक जी कह रहे हैं, ये क्या आप लोग भी सच मानते हैं, क्या ये पार्टी का स्टैंड है क्या? क्योंकि आप देखें कि पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाना, वो अभी पूरा विवाद सुलझा नहीं, उस पर मामले शांत नहीं हुए। अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और अब वो मां दुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आप लोग क्या वाकई में मां दुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह रखते हैं क्या RJD के लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों में, सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के मूल्यों पे चलती है और संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हर धर्म संभव, मतलब सभी धर्मों को। तो ये आपके विधायक को ये संविधान का नियम नहीं पता क्या सर? अभी मैं बता रहा हूं ना, तो जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले। और ये है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उनको लगता है कि भाई ये बातें जो है वो तार्किक मेरे हिसाब से नहीं, नहीं है, नहीं, अरे सर सुबोध सर, आप तो प्रोफेसर साहब है, मैं आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद रखता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा, तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या, इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या? देखिए, एकदम मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सभी आस्थाओं में विश्वास रखती है। जहां तक फतेह जी की जो बात है, फतेह बहादुर जी ने जो बात कही है, अपनी आस्था उनको लगता है कि ऐसा शुरू में उनकी आस्था है। सुबोध जी, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजिए कि राबड़ी देवी छठ पूजा करती है ना, उसकी तस्वीर तो पूरा देश देखता है। अगर छठी मैया को लेकर लोग कहें कि आजादी की लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे क्या बैठ के? अनुराग जी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। अरे सर, धर्मों में विश्वास करती है तो रामचरितमानस पर सवाल क्यों? जहां तक बात रही महिषासुर की, तो आप जानिए भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 9% आदिवासी लोग हैं। आदिवासी जितने साथी और भाई बंधु हैं वो ज्यादा झारखंड, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं। ये लोग सभी महिषासुर को अपनी आस्था मानते हैं। अरे सर, तो ऐसे तो रावण को भी लेकर लोग अपनी आस्था मानते हैं, कई लोग हैं। अभी ये बिसरख में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि रावण को लेकर आस्था है कि नहीं है। काम बुरा किया था तो वध किया गया ना। आप महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं तो अब क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगेंगे क्या शिवम जी?
ये क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगने पर आ गए क्या? क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की बात नहीं है, विपक्षी दलों में ऐसे कई पार्टियां हैं जो खुलकर सनातन के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ बोलती हैं। देखिए मैं जवाब हमें लगता है आरजेडी के मित्र से कहिए मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, वो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, थैंक यू। हिंदू धर्मों में अरे अरे हिंदू धर्म के ज्ञाता भैया बस रुक जाइए, नहीं चाहिए और धर्म पर ज्ञान आपसे, पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं, अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा, विषय बहुत साफ है। इन्होंने कहा कि देखिए हम तो प्लीज बीच में मत बोलिए ना, क्या फायदा, आप बोल रहे थे नहीं बोला कोई भी, आपके पास आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी या फिर घमंडिया या फिर इंडिया अलायंस सभी धर्मों का सम्मान करता है, अगर रामचरितमानस को गाली देना सम्मान है तो हिंदू धर्म के लोगों को आपसे सम्मान नहीं चाहिए, आप हमसे नफरत करें, अगर प्लीज आप इनको बंद करेंगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज आप इनको बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलिए ना, आपके मंत्री के बाइट याद नहीं है क्या आपको, चंद्रशेखर जी की बाइट याद नहीं है क्या, उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है गलत ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गलत है, प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप इनको रोकेंगे ना प्लीज। सुबोध जी आप तो प्रोफेसर साहब है ना, अरे सुबोध जी आप सुन तो लीजिए बीजेपी क्या कह रही है वो सुन तो लीजिए। थैंक यू। हाँ। दूसरा, अगर इसके अलावा आप हमारा सम्मान ऐसा करना चाहते हैं कि माता मां दुर्गा जो है वो काल्पनिक है, महिषासुर जो है राजा है, और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, यही बातें जरा किसी और से पूछकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो, जिनको वोट बैंक मानते हो जरा एक बार पूछ के दिखाओ ना, आपके विधायक और आपके विधायक की गर्दन कहां मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, आप मां दुर्गा का अपमान कर सकते हैं, आप नौ नवरात्रों का अपमान कर सकते हैं, उनकी लड़ाई का अपमान कर सकते हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं और जो चाहे कह सकते हैं, ऐसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिंदुओं को आपके ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, प्लीज बीच में बोलना बंद करिए, नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाया हुआ रुक भी नहीं पा रहे, कैसे पढ़ाते होगे बच्चों को आप, रुकिए जरा प्लीज, रुकिए जरा, जब आप बोल रहे थे ये आप ही ने कहा है, ये आप ही के विधायक ने कहा है, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, बात साफ है, आप हमारी आस्था से, आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको वोट की राजनीति करनी है, आपको गाली देनी है किसी और को दीजिए, हमें मत दीजिए। ठीक है शिवम जी और सुबोध जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं, मैं बहुत जल्दी से हमारे साथ आरएलजेडी के भी प्रवक्ता माधव आनंद जी जुड़े हुए, माधव जी अगर आप बहुत संक्षिप्त में बताएं क्या मजबूरी है ऐसी मेरे धर्म को लेकर, मेरे भगवान को लेकर कोई टिप्पणी करे, ये मैं कभी नहीं सुन सकता, मैं जो धर्मों में शास्त्रों में पढ़ता आ रहा हूं, नेताजी आकर कोई और मतलब दिखा देते हैं या सिखा देते हैं, ये क्या मजबूरी है कहने की? अनुराग जी, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जो आरजेडी के विधायक हैं फतेह सिंह बाद, उन्होंने कहा कि वो महिषासुर को मानते हैं, तो मुझे लगता है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और सुबोध जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हम दोनों ने बहुत लंबे अरसों तक काम किया है, साथ में प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, अगर इस वक्तव्य को, इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते और कहते हैं कि उनकी निजी राय हो सकती है तो ये कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। मुझे लगता है पूरी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब से सक्रिय हुए हैं, वैसे तो स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल मिला हुआ है, लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की सामाजिक सौहार्द को जो है सो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तुष्टिकरण नीति के कारण, और बिना लालू यादव के इशारे के शिक्षा मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप रामचरितमानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें, आप मंत्री पद पर बने रहे, पार्टी अगर आप पर कार्रवाई ना करे तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले नेता होंगे वो तो निकलकर सामने आई जाएंगे, या हो सकता है पार्टी ने खुद प्लांट की हो। कार्रवाई कैसे करेगी, लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये। ठीक है सर, मैं किस मंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनके बिना कोई बयान दे दे, ठीक है सुबोध जी, सनातन को लेकर, अगर रामचरितमानस को लेकर, अगर मां दुर्गा को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है तो लालू प्रसाद यादव करवा रहे हैं इंटेंशनली, तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कोई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, क्यों नहीं बोलते? ठीक है शिवम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी बहुत छोटा सा रिएक्शन, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं फिर धर्मगुरु के पास जाऊंगा। प्रेम जी, ये राजनीतिक जो समीकरण है क्या साधने के लिए है क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर धर्मों के हिसाब से वोट डालेंगे तो 2024 में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जातिवाद के आधार पर अगर आपने बांट दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती, तो क्या यह सब कुछ प्लांड तरीके से उस दिशा में किया जा रहा है ये बयान? प्रेम कुमार, अनुराग जी देखिए प्रतिक्रियाएं कौन दे रहा है, एक हिंदू धर्म पर टिप्पणी आज से नहीं हमेशा लोग करते हैं, और जब टिप्पणी होती है, अगर टिप्पणी कार ब्राह्मण है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अगर टिप्पणी कार
जो गैर ब्राह्मण है तब उस पर बम बवाल हो जाता है। कौन से टिप्पणीकार ब्राह्मण पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं? किस पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया? अरे सर, जाति के हिसाब से थोड़ी भी जाति देखेंगे क्या? सर, भगवान ना किसी जाति के हैं ना धर्म के, भगवान भगवान होते हैं, जिसकी आस्था है उसकी आस्था है। ब्राह्मणों के हैं क्या? कैसी बातें करते हैं? भगवान शिव सिर्फ ब्राह्मणों के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं क्या? ठीक है शिवम भाई, शिवम भाई एक बार कह लेने, पूरी दुनिया के शिवम भाई एक बार उनको कह लेने, घंटा शिवम त्यागी से बोलवा लीजिए आप। प्रेम जी बिल्कुल बोल लीजिए, लेकिन गलत बोलेंगे तो जवाब मिलेगा ही ना। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर बोलने की छूट है, बाकी लोगों को छूट नहीं है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पर जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो निबंध लिखना सिखाया जाता है। निबंध में लिखाया जाता है भारत जो है वो धर्म आस्था का देश है, और धर्म आस्था पर इस तरह से प्रहार उसी देश में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी विधायक गिरिराज, आरजेडी विधायक पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बहादुर सिंह, उन्होंने माँ दुर्गा पर सवाल उठा दिया। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा दिया। दुर्भाग्य है कि आरजेडी और नीतीश की सरकार कभी रामायण पे, उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, आज माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा हैं, विद्या दायिनी हैं, हर नौ कई रूप हैं उनके, ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं। इनका इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देवताओं पर ये कोई कटाक्ष कर सके, क्यों? ये लोग कमजोर आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो जानते हैं अगर मैं मुसलमानों के कुरान पर कोई कमेंट कर दूं तो सर तन से जुदा हो जाएगा, यही कारण। हिंदू एकजुट ना हो ये भी कोशिश हो रही है क्या कि इस तरह के बयान देकर उनको बांट दिया जाए, जाति धर्म में उलझा दिया जाए? ये तो शुरू से रहा है, हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा है कि हिंदुओं को जात में बांटने का काम ये सरकार करना। अब बेचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी कटते हैं, ये हिंदुओं के दुर्दशा है। लेकिन भूले नहीं लालू जी और नीतीश जी, हिंदू के सहिष्णुता की परीक्षा न ले। आज छपरा में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ, वहां भी पत्थरबाजी की गई यात्रा पे, बेगूसराय में आप थे ही। ये तो कई बरसों से, जब से मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है, बिहार में तो 19-19 जिले लगभग रहे हैं आज से कई साल पहले, जहां रूट चेंज कर देना, दुर्गा की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना, आज छपरा हो या मुजफ्फरपुर। गिरिराज सिंह को आपने सुना, गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, कई बार हिंदुत्व को लेकर बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए। मैं बहुत जल्दी से शिवानी दुर्गा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके तो नाम में भी दुर्गा है मैम, तो मुझे आप बताइए कि ये जब टिप्पणियां आप हमारे देश के राजनीतिज्ञों से सुनती हैं कैसा लगता है आपको? और दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना वाकई इतना आसान है कि चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के आप कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, आपको माफी है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं? जी, हर हर महादेव आप सभी को। आपने दो प्रश्न पूछे हैं, मैं सुन रही थी फतेह बहादुर सिंह जी को जो वो बोल रहे थे, और उसमें मैंने पढ़ा भी, उसमें लिखा था कि ये महिषासुर के वंशज स्वयं को बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये महिषासुर के वंशज हैं तो महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। हम माँ दुर्गा की सेविका हैं, भक्त हैं, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ति करते हैं माँ दुर्गा की। तो आप सभी जानते हैं कि महिषासुर नृप अति अभिमानी, उनका जो है क्या हाल माँ दुर्गा ने किया था। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते हैं, बुद्धिहीन सपने हु सुख नाही, ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति करते हैं
की शक्ति को ललकारते हैं, क्योंकि इनका अंत निकट होता है। जब अंत निकट होता है तो हम देवताओं को, शक्ति को, भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं, तो इनके साथ भी वही होगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक की राजनीति है, उसी समय पर यह किया जाता है। अब क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है, इस सरकार को या ये जो भी लोग हैं, इन्हें कोई पूछता नहीं। लेकिन मैम, क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना इतना आसान है? क्या कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा? देखिए, हिंदू धर्म को टारगेट करना आसान नहीं है, इसीलिए टारगेट किया जाता है। जो शक्तिशाली होता है उसी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो इन्हें ये भय भयभीत है हिंदू धर्म से, हिंदुत्व की एकता से, हिंदुओं के एक होने से, सनातन क्या फिर से उदय होने से, ये लोग भयभीत हैं, इसलिए अटैक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। सुबोध जी, आपने सारी बातों को सुना, मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं, पहले धर्म और आस्था के आधार पर आपसे समझ लेता हूं कि साहब, आप भी तो किसी न किसी को तो मानते होंगे भगवान के तौर पर, किसी न किसी को एक्सट्रीम शक्ति मानते होंगे, तो किसी को हक थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए? देखिए अनुराग जी, राष्ट्रीय जनता दल किसी भी धार्मिक भावनाओं को, राष्ट्रीय जनता दल के ही तो नेता है ना, विधायक तो आप ही के है ना। दीजिए ना महाशय, आपने क्वेश्चन पूछा है, बोलने दीजिए जी। कोई नहीं तो आप डाल रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। सबसे पहली लाइन में आपसे सबसे सटीक सवाल पूछा था। अनुराग जी, हमें ये बताइए, जो ट्राइबल है, आदिवासी है, वो हिंदू है कि नहीं है? आपको पता है असुर जनजाति पाई जाती है झारखंड में, आपको मध्य प्रदेश में और असम में और बंगाल में, आपको पता है? महिषासुर मतलब, नाम पे मतलब विधायक जी जो है वो उस असुर जाति का, उस ट्राइबल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा क्या? 9% लोग हैं जो महिषासुर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी हिंदू धर्म के अंदर ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फतेह बहादुर जी कह रहे हैं वो उनकी पर्सनल। अच्छा चलिए ठीक है, आप महिषासुर की पूजा कर लीजिए, कौन किसकी पूजा कर रहा है, दिस इज नन ऑफ एनीबॉडी एल्स बिजनेस, बट द पॉइंट इज, आप ये मुझे बताइए कि माँ दुर्गा आपके लिए काल्पनिक है क्या, आपकी पार्टी के लिए काल्पनिक है? महिषासुर की पूजा कीजिए आप, चलिए आप कर लीजिए, हो सकता है आपको वोट मिलते हो, लेकिन आप माँ दुर्गा को काल्पनिक मानेंगे? सुनिए अनुराग जी, हिंदू धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहाँ पे सर फटोगल कोई क्यों रहे? अरे तो सर अरे ना मानिए आप, सार्वजनिक मंच से लोगों की भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? धर्म में विश्वास करती है, हर किसी में विश्वास करती है, अगर कोई मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट सुबोध जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, और इस देश में है, ठीक है? सुबोध जी एक चीज का मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं शिवम जी के पास जा रहा हूं। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो इसमें दूसरों की भावना क्यों आहत कर रहे हैं आप अपने तक सीमित रखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक्षेप कर दे या आरजेडी पर कोई टिप्पणी कर दे तो आप चुप बैठते हैं क्या? कभी आप तो जवाब देने निकल जाते हैं, आप जैसे कई प्रवक्ता आ जाते हैं, तो किसी के धर्म पर आप इतना बोले उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, आप सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लें कि वो उनकी विचारधारा है। अरे पल्ला झाड़ना होता है अनुराग जी, तो आपके डिबेट में हम क्यों आते हैं? तो यहाँ पर भी आप सटीक मांग कर रहे हैं सर, आप मानिए कि आपकी पार्टी का लाइन है महिषासुर वाली, आप मान लीजिए, मैं बोल दूंगा ठीक है साहब, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का लाइन है, सब आस्था और सब धर्मों के में हम विश्वास करते हैं। ये तो शिवम त्यागी जी छुपने वाली बात है ना, 24 के लिहाज से आप पुष्टिकरण भी कर ले, जाति के आधार पर बंटवारा भी कर ले, और फिर कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो आपकी तरफ है। शिवम जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। माधव जी आप उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। शिवम जी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आरजेडी की बात करें खासतौर पर, तो वो पार्टी महिषासुर को मानने वाली पार्टी है। अगर ये महिषासुर को नहीं मानते तो इन्होंने अपने विधायक के बारे में क्या किया? क्या उसको इन्होंने कुछ कहा? क्या इसको उन्होंने डांटा? क्या इसको उन्होंने माफी मांगने को कहा? फिर भी उसके बाद में भी जी अरे भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, विंडो बंद है, उसमें भी आप बोले जा रहे हैं, रुक जाइए, ये ट्रेनिंग कहां से लेकर आए हैं? रुक जाइए भाई, अभी इनको प्लीज रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे सर नहीं बोल रहा तो नहीं, सुबोध जी एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट शिवम जी मैं एक बात कह दूं, फिर मैं सुबोध जी आपको आपका माइक ऑफ करवा दूंगा। सुबोध जी एक बहुत सिंपल सी बात है, ये मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक भगवान श्री राम को काल्पनिक लोग कहते थे, 2024 का चुनाव आते आते आज लोग इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो हमें बुला क्यों नहीं रहा है, और वो आपके ही सहयोगी। तो ये सच्चाई है सर कि जब आप काल्पनिक कहते हैं तब आप सोचते नहीं है। ठीक है शिवम जी प्लीज, थैंक यू। लेकिन कुछ लोगों को कथित प्रोफेसर साहब रुक जाइए, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, वो चुप नहीं होंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माँ दुर्गा को काल्पनिक बताया है आरजेडी वालों ने, इसी तरीके से ये तो कुछ भी कह सकते हैं। आने वाले समय में छठी मैया का त्योहार आने वाला है, छठ करता है पूरा देश,
और छठी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और भगवान सूर्य की बहन माना गया, ये तो उसको भी काल्पनिक मानते हैं फिर इसका मतलब। तो ये इतना ढोंग क्यों करते हो भाई, ये पूरा छठी मैया की इतनी पूजा क्यों करते हो? अगर सनातन में विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, माँ दुर्गा में विश्वास नहीं है, छठी मैया में विश्वास नहीं है, कोई भी उनको गाली दे सकता है, कोई भी उनको काल्पनिक कह सकता है, कोई भी उनको गलत बता सकता है, कोई भी उनको महिषासुर से छोटा कर सकता है, कोई भी उनको कह सकता है कि ये हुआ ही नहीं, और अगर ये हुआ है तो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं आपने लड़ाई लड़ी, तो फिर मानकर ये ड्रामा क्यों करते हो? ये बैठ कर पूजा कर उसका लाइव प्रसारण क्यों करवाते हो? अगर हिंदू धर्म को गाली ही देनी है तो उसी पर चुनाव लड़ो ना, उसी पर गाली ही दो। लेकिन गाली भी देनी है, हम किसी धर्म का अपमान भी नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, और अपने विधायक को कुछ कहते भी नहीं, अपने मंत्री को कुछ कहते भी नहीं। वोट बैंक खिसकता है ना सर? नहीं तो वोट बैंक खिसकता है तो भगवान को कम से कम वोट बैंक में ना लाए ना, माँ दुर्गा को वोट बैंक में ना लाए, छठी मैया को वोट बैंक में ना लाए। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या मानो तो देवता नहीं तो पत्थर वाला स्टेटमेंट किसी को इस बात की इजाजत देता है कि कोई किसी को धार्मिक तौर पर आहत कर ले? देखिए मेरा जवाब आप लेंगे तभी हम जवाब दे सकें सर, मैंने इसीलिए आप लोग बोलने ही नहीं देते तो हम क्या बोले, अब क्यों बुलाते मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो एक लाइन बोलता हूँ आप रोक देते सर। आप ये पिछली बार भी आए हमको बोलने नहीं दिया, ब्राह्मण को बोलने दिया जा रहा नहीं बोलने दिया जा रहा, तो इस पे मैं क्या बताइए? मैं फिर कहता हूँ कि अगर प्रेम कबूतर से चिट्ठी लिखा के भेज दीजिएगा जवाब। आपने तो प्रोफेसर साहब को बता दिया कि कथित प्रोफेसर, वो बात ऐसी कर रहे हैं भाई, कथित प्रोफेसर कमाल बात है। आपने पहले मैं प्रोफेसर का सम्मान करता हूँ लेकिन भगवान को भी मानता हूँ अपने, और भगवान सबसे सर्वोपरि है, माँ दुर्गा सबसे सर्वोपरि है भाई, छठी मैया सबसे सर्वोपरि है। आप यहाँ बैठकर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं, आप प्रोफेसर भी है और आप अगर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं सुनूंगा मैं। एक बार सुन लेते हैं, मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी, क्यों सुनूं मैं? अरे प्रेम जी आप उलझ जाते हैं, अगर मेरे धर्म को गाली देंगे तो क्यों सुनूं मैं? आप बोले प्रोफेसर सम्मान है उस बात का लेकिन गाली नहीं दे सकते आप, ठीक है? प्रेम जी बोलिए आप, बिल्कुल बोलिए प्रोफेसर सुबह। प्रेम जी प्लीज अपनी बात को कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपनी बात रखने दीजिए मुझे, प्लीज रखिए। टिप्पणीकार देखिए, जब सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि रावण के बारे में गलत इतिहास बताया जाता है, रावण उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी और उन्होंने सर रावण के अस्तित्व पे थोड़ी सवाल उठा दिया था सर, आप जो बात कह रहे हैं भाई यही तो बात है, बोलने नहीं दे रहे ना आप मेरी बात तो स्पष्ट कर। आप जानते हैं सर इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं, वक्त की लिमिटेशन होती है ना सर, ऐसे थोड़ी कि आप जो बोलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर क्षेत्र के हिसाब से बताया तो भगवान श्री राम पर टिप्पणी करते हुए थोड़ी कहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं है। बहरहाल सर मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए आप रुख करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो का। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बयानवीर नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि चुनाव करीब आ रहे हैं इसीलिए जहरीली बयानबाजी क्या की जा रही है? कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयानबाजी की। इधर रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने संभाला था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो हिंदुओं के धर्मग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले बयानवीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब माँ दुर्गा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक जी के मुताबिक माँ दुर्गा काल्पनिक है और माँ दुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है। विधायक फतेह बहादुर यही नहीं रुके, उन्होंने महिषासुर का भी महिमा मंडन कर दिया, कहा कि महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं को तार तार करने के लिए विधायक जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जरा एक बार बयान सुनिए। लोहा कहीं आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ। जब 3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहे का तलवार और लोहे का चक्र लाखों वर्ष पहले कहां से आया, ये साबित करता है कि ये काल्पनिक है। मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी, दसों हाथ का औजार कहाँ था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? समाजवादी राजा जो राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा,
जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। द्वितीय अध्याय इसमें देखिए, माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? और आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कन्नी काट ली। अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आरजेडी खुद भी मुश्किलों में फंसा गिरती देख रही है। अब तक आरजेडी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई जवाबी टिप्पणी नहीं की। लालू और तेजस्वी की चुप्पी सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर सनातन के विरोध का दांव चला गया? बीजेपी और जेडीयू के बयानों को आप सुनिए और समझिए कि इसके पीछे की सियासत क्या है। मां भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें। तेजस्वी यादव जी, कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं? बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई। और चलिए, मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो के बहस के सवाल क्या हैं। आरजेडी के बयान बहादुर तो क्या पूर्वज महिषासुर है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी कि लोकसभा फतेह के लिए क्या यह पूरा फसादी प्लान तैयार किया गया? क्योंकि नेता इक्के दुक्के नहीं है या एक दो पार्टी के नहीं है, कई सारे विपक्षी नेता है। सवाल यह कि सनातन पर ठेस तो क्या विपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लग गई? अगला सवाल, जात पात धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे? क्या बिहार को सुलगाएंगे? सवाल यह भी कि हिंदू धर्म पर चोट तो क्या MY एजेंडे से वोट पालेंगे? सवाल अगला ये कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ माधव आनंद है, RLJD के नेता हैं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, RJD के नेता, और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। मुझे बताइए कि ये जो आपके विधायक जी कह रहे हैं, ये क्या आप लोग भी सच मानते हैं? क्या ये पार्टी का स्टैंड है क्या? क्योंकि आप देखें कि पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाना, वो अभी पूरा विवाद सुलझा नहीं, उस पर मामले शांत नहीं हुए। अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और अब वो मां दुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आप लोग क्या वाकई में मां दुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह रखते हैं क्या, RJD के लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों में, सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के मूल्यों पे चलती है और संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हर धर्म संभव, मतलब सभी धर्मों को। तो ये आपके विधायक को ये संविधान का नियम नहीं पता क्या सर? अभी मैं बता रहा हूं ना, तो जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले। और ये है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उनको लगता है कि भाई ये बातें जो है वो तार्किक मेरे हिसाब से नहीं, नहीं है, नहीं, तो अरे सर सुबोध सर, आप तो प्रोफेसर साहब है, मैं आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद रखता हूं। मुझे ये बताइए कि अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा, तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या, इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या? देखिए, एकदम मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सभी सभी आस्थाओं में विश्वास रखती है। जहां तक फतेह जी की जो बात है, फतेह बहादुर जी ने जो बात कही है, अपनी आस्था उनको लगता है कि ऐसा सुर में उनकी आस्था है। सुबोध जी, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजिए कि राबड़ी देवी छठ पूजा करती है ना, उसकी तस्वीर तो पूरा देश देखता है। अगर छठी मैया को लेकर लोग कहें कि आजादी की लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे क्या बैठ के? अनुराग जी, मैं कह रहा हूं,
अनुराग जी मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। अरे सर, धर्मों में विश्वास करती है तो रामचरितमानस पर सवाल क्यों? जहां तक बात रही महिषासुर की, तो आप जानिए भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 9% आदिवासी लोग हैं। आदिवासी जितने साथी और भाई बंधु हैं वो ज्यादा झारखंड, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं। ये लोग सभी महिषासुर को अपनी आस्था मानते हैं। अरे सर, तो ऐसे तो रावण को भी लेकर लोग अपनी आस्था मानते हैं। कई लोग हैं, अभी ये बिसरख में चले जाइए आपको पता चलेगा कि रावण को लेकर आस्था है कि नहीं है। काम बुरा किया था तो वध किया गया ना। आप महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं तो अब क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगेंगे क्या शिवम जी? ये क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगने पर आ गए क्या? क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की बात नहीं है, विपक्षी दलों में ऐसे कई पार्टियां हैं जो खुलकर सनातन के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ बोलती हैं। देखिए मैं जवाब आरजेडी के मित्र से कहिए मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, वो बोलने दीजिए ना प्लीज, बोलने दीजिए। थैंक यू। हिंदू धर्मों में, अरे अरे हिंदू धर्म के ज्ञाता भैया बस रुक जाइए, नहीं चाहिए और धर्म पर ज्ञान आपसे। पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं, अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा। विषय बहुत साफ है, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, क्या फायदा, आप बोल रहे थे तो नहीं बोला कोई भी। आऊंगा आपके पास। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी या फिर घमंडिया या फिर इंडी अलायंस सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस को गाली देना सम्मान है तो हिंदू धर्म के लोगों को आपसे सम्मान नहीं चाहिए, आप हमसे नफरत करें। अगर प्लीज आप इनको बंद करेंगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज आप इनको बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलिए ना। आपके मंत्री के बाइट याद नहीं है क्या आपको? चंद्रशेखर जी की बाइट याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है गलत ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गलत है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप इनको रोकेंगे ना प्लीज। सुबोध जी आप तो प्रोफेसर साहब है ना। अरे सुबोध जी आप सुन तो लीजिए, बीजेपी क्या कह रही है वो सुन तो लीजिए। दूसरा, अगर इसके अलावा आप हमारा सम्मान ऐसा करना चाहते हैं कि माता माँ दुर्गा जो है वो काल्पनिक है, महिषासुर जो है राजा है, और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, यही बातें जरा किसी और से पूछकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। जिनको वोट बैंक मानते हो जरा एक बार पूछ के दिखाओ ना, आपके विधायक और आपके विधायक की गर्दन कहां मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, आप मां दुर्गा का अपमान कर सकते हैं, आप नौ नवरात्रों का अपमान कर सकते हैं, उनकी लड़ाई का अपमान कर सकते हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं और जो चाहे कह सकते हैं। ऐसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिंदुओं को आपके ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। प्लीज बीच में बोलना बंद करिए, नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाया हुआ है, रुक भी नहीं पा रहे हैं। कैसे पढ़ाते होंगे बच्चों को आप? रुकिए जरा प्लीज, रुकिए जरा, जब आप बोल रहे थे ये आप ही ने कहा है, ये आप ही के विधायक ने कहा है, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। बात साफ है, आप हमारी आस्था से, आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको वोट की राजनीति करनी है, आपको गाली देनी है, किसी और को दीजिए, हमें मत दीजिए। ठीक है शिवम जी और सुबोध जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं। मैं बहुत जल्दी से हमारे साथ आरएलजेडी के भी प्रवक्ता माधव आनंद जी जुड़े हुए। माधव जी, अगर आप बहुत संक्षिप्त में बताएं क्या मजबूरी है ऐसी मेरे धर्म को लेकर, मेरे भगवान को लेकर कोई टिप्पणी करे, ये मैं कभी नहीं सुन सकता। मैं जो धर्मों में शास्त्रों में पढ़ता आ रहा हूं, नेताजी आकर कोई और मतलब दिखा देते हैं या सिखा देते हैं, ये क्या मजबूरी है कहने की? अनुराग जी, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जो आरजेडी के विधायक हैं फतेह सिंह बाद, उन्होंने कहा कि वो महिषासुर को मानते हैं, तो मुझे लगता है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और सुबोध जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हम दोनों ने बहुत लंबे अरसों तक काम किया है साथ में, प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अगर वो अगर इस वक्तव्य को, इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते और कहते हैं कि उनकी निजी राय हो सकती है तो ये कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। मुझे लगता है पूरी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब से सक्रिय हुए हैं, वैसे तो स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल मिला हुआ है, लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की सामाजिक सौहार्द को जो है सो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तुष्टीकरण नीति के कारण और बिना लालू यादव के इशारे के। शिक्षा मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप रामचरितमानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें, आप मंत्री पद पर बने रहे, पार्टी अगर आप पर कार्रवाई ना करे तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले नेता होंगे वो तो निकलकर सामने आ ही जाएंगे, या हो सकता है पार्टी ने खुद प्लांट किया हो। कार्रवाई कैसे करेगी? लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये। ठीक है सर, किस मंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनके बिना कोई बयान दे दे? किस विधायक की हिम्मत है कि उनके बिना कोई बयान दे दे? अगर सनातन को लेकर, अगर रामचरितमानस को लेकर, अगर माँ दुर्गा को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है तो लालू प्रसाद यादव करवा रहे हैं इंटेंशनली,
तेजस्वी यादव करवा रहे, वरना किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कोई बोलते। मैं आऊंगा आपके पास, क्यों नहीं बोलते? ठीक है शिवम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी बहुत छोटा सा रिएक्शन, में ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, उसके बाद में फिर धर्मगुरु के पास जाऊंगा। प्रेम जी ये राजनीतिक जो समीकरण है, क्या साधने के लिए है क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर धर्मों के हिसाब से वोट डालेंगे तो 2024 में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जातिवाद के आधार पर अगर आपने बांट दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती। तो क्या यह सब कुछ प्लांड तरीके से उस दिशा में किया जा रहा है, यह बयान? प्रेम कुमार अनुराग जी देखिए, प्रतिक्रियाएं कौन दे रहा है? एक हिंदू धर्म पर टिप्पणी आज से नहीं, हमेशा लोग करते हैं। हाँ। और जब टिप्पणी होती है, अगर टिप्पणीकार ब्राह्मण है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अगर टिप्पणीकार जो गैर ब्राह्मण है तब उस पर बम बवाल हो जाता है। कौन से टिप्पणीकार ब्राह्मण पे प्रतिक्रिया नहीं हुई? प्रेम जी प्रेम कुमार जी क्या बात कर रहे हैं? किस पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं हुई? जाति के हिसाब से थोड़ी भी जाति देखेंगे क्या सर? भगवान ना किसी जाति के हैं ना धर्म के, भगवान भगवान होते हैं, जिसकी आस्था है उसकी आस्था है। ब्राह्मणों के हैं क्या? कैसी बातें करते हैं? भगवान शिव सिर्फ ब्राह्मणों के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं क्या? ठीक है शिवम भाई एक बार कह लेने, पूरी दुनिया के शिवम भाई एक बार उनको कह लेने, आधा घंटा शिवम त्यागी से बोलवा लीजिए आप। प्रेम जी बिल्कुल बोल लीजिए, लेकिन गलत बोलेंगे तो जवाब मिलेगा ही ना। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर बोलने की छूट है, बाकी लोगों को छूट नहीं है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पर जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो निबंध लिखना सिखाया जाता है। निबंध में लिखा जाता है भारत जो है वो धर्म आस्था का देश है, और धर्म आस्था पर इस तरह से प्रहार उसी देश में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी विधायक पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। विधायक फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने माँ दुर्गा पर सवाल उठा दिया। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा दिया। दुर्भाग्य है कि आरजेडी और नीतीश की सरकार कभी रामायण पे, उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, आज माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा हैं, विद्यादायिनी हैं, हर कई रूप हैं उनके, ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देवताओं पर ये कोई कटाक्ष कर सके, क्यों? ये लोग कमजोर आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो जानते हैं अगर मैं मुसलमानों के कुरान पर कोई कमेंट कर दूं तो सर तन से जुदा हो जाएगा, यही कारण है। हिंदू एकजुट ना हो ये भी कोशिश हो रही है क्या कि इस तरह के बयान देकर उनको बांट दिया जाए, जाति धर्म में उलझा दिया जाए? ये तो शुरू से रहा है, हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा है कि हिंदुओं को जात में बांटने का काम ये सरकार करना। अब बेचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी कटते हैं, ये हिंदुओं के दुर्दशा है। लेकिन भूले नहीं लालू जी और नीतीश जी, हिंदू के सहिष्णुता की परीक्षा न ले। आज छपरा में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ, वहां भी पत्थरबाजी की गई यात्रा पे, बेगूसराय में आप थे ही। ये तो कई बरसों से, जब से मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है, बिहार में तो 19 जिले लगभग रहे हैं आज से कई साल पहले, जहां रूट चेंज कर देना, दुर्गा की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना, आज छपरा हो या मुजफ्फरपुर। गिरिराज सिंह को आपने सुना, गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, कई बार हिंदुत्व को लेकर बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए। मैं बहुत जल्दी से शिवानी दुर्गा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके तो नाम में भी दुर्गा है मैम, तो मुझे आप बताइए कि ये जब टिप्पणियां आप हमारे देश के राजनीतिज्ञों से सुनती हैं कैसा लगता है आपको? और दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना वाकई इतना आसान है कि चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के आप कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, आपको माफी है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं? जी हर हर महादेव आप सभी को। आपने दो प्रश्न पूछे हैं, मैं सुन रही थी फतेह बहादुर सिंह जी को जो वो बोल रहे थे,
और उसमें मैंने पढ़ा भी, उसमें लिखा था कि ये महिषासुर के वंशज स्वयं को बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये महिषासुर के वंशज हैं तो महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। हम माँ दुर्गा की सेविका हैं, भक्त हैं, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ति करते हैं माँ दुर्गा की। तो आप सभी जानते हैं कि महिषासुर नृप अति अभिमानी, उनका जो है क्या हाल माँ दुर्गा ने किया था। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते हैं, बुद्धिहीन सपने हु सुख नाही, ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति करते हैं कि शक्ति को ललकारते हैं, क्योंकि इनका अंत निकट होता है। जब अंत निकट होता है तो हम देवताओं को, शक्ति को, भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं, तो इनके साथ भी वही होगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक की राजनीति है, उसी समय पर ये किया जाता है। अब क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है, इस सरकार को या ये जो भी लोग हैं इन्हें कोई पूछता नहीं। लेकिन मैम, क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना इतना आसान है क्या? कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म को टारगेट करना आसान नहीं है, इसीलिए टारगेट किया जाता है। जो शक्तिशाली होता है उसी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो इन्हें ये भय भयभीत है हिंदू धर्म से, हिंदुत्व की एकता से, हिंदुओं के एक होने से, सनातन क्या फिर से उदय होने से ये लोग भयभीत हैं, इसलिए अटैक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। सुबोध जी, आपने सारी बातों को सुना, मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं, पहले धर्म और आस्था के आधार पर आपसे समझ लेता हूं कि साहब आप भी तो किसी न किसी को तो मानते होंगे भगवान के तौर पर, किसी न किसी को एक्सट्रीम शक्ति मानते होंगे, तो किसी को हक थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए। देखिए अनुराग जी, राष्ट्रीय जनता दल किसी भी धार्मिक भावनाओं को, राष्ट्रीय जनता दल के ही तो नेता है ना, विधायक तो आप ही के है ना। दीजिए ना महाशय, आपने क्वेश्चन पूछा है, बोलने दीजिए जी। कोई नहीं तो आप डाल रहे सर, आप घुमा रहे हैं। सबसे पहली लाइन में आपसे सबसे सटीक सवाल पूछा था। अनुराग जी हमें ये बताइए, जो ट्राइबल है, आदिवासी है, वो हिंदू है कि नहीं है? आपको पता है असुर जनजाति पाई जाती है झारखंड में, आपको मध्य प्रदेश में और असम में और बंगाल में, आपको पता है? महिषासुर मतलब, के नाम पे मतलब विधायक जी जो है वो उस असुर जाति का, उस ट्राइबल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा क्या? 9% लोग हैं जो महिषासुर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी हिंदू धर्म के अंदर ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फतेह बहादुर जी कह रहे हैं वो उनकी पर्सनल। अच्छा चलिए ठीक है, आप महिषासुर की पूजा कर लीजिए, कौन किसकी पूजा कर रहा है, दिस इज नन ऑफ एनीबॉडी एल्स बिजनेस, बट द पॉइंट इज आप ये मुझे बताइए कि माँ दुर्गा आपके लिए काल्पनिक है क्या, आपकी पार्टी के लिए काल्पनिक है? महिषासुर की पूजा कीजिए आप, चलिए आप कर लीजिए, हो सकता है आपको वोट मिलते हो, लेकिन आप माँ दुर्गा को काल्पनिक मानेंगे? सुनिए अनुराग जी, हिंदू धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहाँ पे सर फटोगल कोई क्यों रहे? अरे तो सर अरे ना मानिए आप, सार्वजनिक मंच से लोगों की भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? धर्म में विश्वास करती है, हर किसी में विश्वास करती है, अगर कोई मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट, सुबोध जी, सुबोध जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर और इस देश में है, ठीक है? सुबोध जी एक चीज का मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं शिवम जी के पास जा रहा हूं। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो इसमें दूसरों की भावना क्यों आहत कर रहे हैं आप अपने तक सीमित रखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक्षेप कर दे या आरजेडी पर कोई टिप्पणी कर दे तो आप चुप बैठते हैं क्या? कभी आप तो जवाब देने निकल जाते हैं, आप जैसे कई प्रवक्ता आ जाते हैं, तो किसी के धर्म पर आप इतना बोले उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, आप सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लें कि वो उनकी विचारधारा है। अरे पल्ला झाड़ना होता है अनुराग जी तो आपके डिबेट में हम क्यों आते हैं? तो यहाँ पर भी आप सटीक मान कर रहे हैं सर, आप मानिए कि आपकी पार्टी का लाइन है महिषासुर वाली, आप मान लीजिए, मैं बोल दूंगा ठीक है साहब, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का लाइन है, सब आस्था और सब धर्मों के में हम विश्वास करते हैं। ये तो शिवम चाहिए छुपने वाली बात है ना, 24 के लिहाज से आप पुष्टिकरण भी कर लें, जाति के आधार पर बंटवारा भी कर लें और फिर कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो आपकी तरफ हैं। शिवम जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। माधव जी आप उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। शिवम जी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आरजेडी की बात करें खासतौर पर, तो वो पार्टी महिषासुर को मानने वाली पार्टी है। अगर ये महिषासुर को नहीं मानते तो इन्होंने अपने विधायक के बारे में क्या किया? क्या उसको इन्होंने कुछ कहा? क्या इसको उन्होंने डांटा? क्या इसको उन्होंने माफी मांगने को कहा? फिर भी उसके बाद में भी जी जी
अरे भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, विंडो बंद है, उसमें भी आप बोले जा रहे हैं, रुक जाइए। ये ट्रेनिंग कहाँ से लेकर आए हैं, रुक जाइए भाई। अभी इनको प्लीज रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कोई अरे सर नहीं बोल रहा तो नहीं, नहीं सुबोध जी एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट शिवम जी, मैं एक बात कह दूं फिर मैं सुबोध जी आपको आपका माइक ऑफ करवा दूंगा। सुबोध जी एक बहुत सिंपल सी बात है, ये मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक भगवान श्री राम को काल्पनिक लोग कहते थे। 2024 का चुनाव आते आते आज लोग इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो हमें बुला क्यों नहीं रहा है, और वो आपके ही सहयोगी। तो ये सच्चाई है सर कि जब आप काल्पनिक कहते हैं तब आप सोचते नहीं है। ठीक है शिवम जी प्लीज, थैंक यू। लेकिन कुछ लोग कथित प्रोफेसर साहब रुक जाइए, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, वो चुप नहीं होंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मां दुर्गा को काल्पनिक बताया है आरजेडी वालों ने, इसी तरीके से ये तो कुछ भी कह सकते हैं। आने वाले समय में छठी मैया का त्योहार आने वाला है, छठ करता है पूरा देश, और छठी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और भगवान सूर्य की बहन माना गया, ये तो उसको भी काल्पनिक मानते हैं फिर इसका मतलब। तो ये इतना ढोंग क्यों करते हो भाई, ये पूरा छठी मैया की इतनी पूजा क्यों करते हो? अगर सनातन में विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, माँ दुर्गा में विश्वास नहीं है, छठी मैया में विश्वास नहीं है, कोई भी उनको गाली दे सकता है, कोई भी उनको काल्पनिक कह सकता है, कोई भी उनको गलत बता सकता है, कोई भी उनको महिषासुर से छोटा कर सकता है, कोई भी उनको कह सकता है कि यह हुआ ही नहीं, और अगर यह हुआ है तो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं आपने लड़ाई लड़ी? तो फिर मानकर ये ड्रामा क्यों करते हो, ये बैठकर पूजा करके उसका लाइव प्रसारण क्यों करवाते हो? अगर हिंदू धर्म को गाली ही देनी है तो उसी पर चुनाव लड़ो ना, उसी पर गाली ही दो। लेकिन गाली भी देनी है, हम किसी धर्म का अपमान भी नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, और अपने विधायक को कुछ कहते भी नहीं, अपने मंत्री को कुछ कहते भी नहीं। वोट बैंक खिसकता है ना सर? नहीं तो वोट बैंक खिसकता है तो भगवान को कम से कम वोट बैंक में ना लाए ना, माँ दुर्गा को वोट बैंक में ना लाए, छठी मैया को वोट बैंक में ना लाए। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या मानो तो देवता नहीं तो पत्थर वाला स्टेटमेंट किसी को इस बात की इजाजत देता है कि कोई किसी को धार्मिक तौर पर आहत कर ले? देखिए मेरा जवाब आप लेंगे तभी हम जवाब दे सके सर, मैंने इसीलिए आप लोग बोलने ही नहीं देते तो हम क्या बोले, अब क्यों बुलाते मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो एक लाइन बोलता हूँ आप रोक देते सर। आप ये पिछली बार भी आए हमको बोलने नहीं दिया, ब्राह्मण को बोलने दिया जा रहा नहीं बोलने दिया जा रहा, तो इस पे मैं क्या करूं बताइए। मैं फिर कहता हूँ कि अगर प्रेम कबूतर से चिट्ठी लिखा के भेज दीजिएगा जवाब। आपने तो प्रोफेसर साहब को बता दिया कि कथित प्रोफेसर, वो बात ऐसी कर रहे हैं भाई, कथित प्रोफेसर कमाल बात है। आपने मैं प्रोफेसर का सम्मान करता हूँ लेकिन भगवान को भी मानता हूँ अपने, और भगवान सबसे सर्वोपरि है, माँ दुर्गा सबसे सर्वोपरि है भाई, छठी मैया सबसे सर्वोपरि है। आप यहाँ बैठकर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं आप प्रोफेसर भी है और आप अगर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं सुनूंगा मैं, एक बार सुन लेते, मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी, क्यों सुनूं मैं? अरे प्रेम जी आप लग जाते हैं, अगर मेरे धर्म को गाली देंगे तो क्यों सुनूं मैं? आप बोले प्रोफेसर सम्मान है उस बात का लेकिन गाली नहीं दे सकते आप। ठीक है प्रेम जी बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए प्रोफेसर सुबह। प्रेम जी प्लीज अपनी बात को कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपनी बात रखने दीजिए मुझे, प्लीज रखिए। टिप्पणीकार देखिए, जब सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि रावण के बारे में गलत इतिहास बताया जाता है, रावण उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी और उन्होंने सर रावण के अस्तित्व पे थोड़ी सवाल उठा दिया था। बात सर आप जो बात कह रहे हैं भाई यही तो बात है, बोलने नहीं दे रहे ना आप मेरी सर, बात तो स्पष्ट आप, करने आप जानते हैं सर इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं, वक्त की लिमिटेशन होती है ना सर, ऐसे थोड़ी कि आप जो बोलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर क्षेत्र के हिसाब से बताया तो भगवान श्री राम पर टिप्पणी करते हुए थोड़ी कहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं है। बहरहाल सर मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए आप रुख करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो का। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बयानवीर नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि चुनाव करीब आ रहे हैं इसीलिए जहरीली बयानबाजी क्या की जा रही है? कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयानबाजी की, इधर रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने संभाला था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले बयानवीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब मां दुर्गा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक जी के मुताबिक मां दुर्गा काल्पनिक हैं और मां दुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है। विधायक फतेह बहादुर यहीं नहीं रुके, उन्होंने महिषासुर का भी महिमा मंडन कर दिया, कहा कि महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं को तार तार करने के लिए विधायक जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जरा एक बार बयान सुनिए। लोहा कही आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ। जब 3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहे का तलवार और लोहे का चक्र
लाखों वर्ष पहले कहां से आया, ये साबित करता है कि ये काल्पनिक है। मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी, दसों हाथ का औजार कहाँ था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। समाजवादी राजा जो राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। द्वितीय अध्याय इसमें देखिए, माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? और आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कन्नी काट ली। अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आरजेडी खुद भी मुश्किलों में फंसा गिरती देख रही है। अब तक आरजेडी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई जवाबी टिप्पणी नहीं की। लालू और तेजस्वी की चुप्पी सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर सनातन के विरोध का दांव चला गया? बीजेपी और जेडीयू के बयानों को आप सुनिए और समझिए कि इसके पीछे की सियासत क्या कहती है। मां भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को, और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें। तेजस्वी यादव जी कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं? बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई। और चलिए मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो के बहस के सवाल क्या हैं। आरजेडी के बयान बहादुर तो क्या पूर्वज महिषासुर है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी कि लोकसभा फतेह के लिए क्या यह पूरा फसादी प्लान तैयार किया गया, क्योंकि नेता इक्के दुक्के नहीं है या एक दो पार्टी के नहीं है, कई सारे विपक्षी नेता हैं। सवाल यह कि सनातन पर ठेस तो क्या विपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लग गई? अगला सवाल, जात पात धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे, क्या बिहार को सुलगाएंगे? सवाल यह भी कि हिंदू धर्म पर चोट तो क्या MY एजेंडे से वोट पालेंगे? सवाल अगला यह कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ माधव आनंद हैं, RLJD के नेता हैं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, RJD के नेता, और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। मुझे बताइए कि ये जो आपके विधायक जी कह रहे हैं, ये क्या आप लोग भी सच मानते हैं? क्या ये पार्टी का स्टैंड है क्या? क्योंकि आप देखें कि पहले रामचरित मानस पर सवाल उठाना, वो अभी पूरा विवाद सुलझा नहीं, उस पर मामले शांत नहीं हुए, अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और अब वो माँ दुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो आप लोग क्या वाकई में माँ दुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह रखते हैं क्या RJD के लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों में, सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के मूल्यों पे चलती है और संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हर धर्म संभव, मतलब सभी धर्मों को। तो ये आपके विधायक को ये संविधान का नियम नहीं पता क्या सर? अभी मैं बता रहा हूं ना, तो जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले, और ये है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उनको लगता है कि भाई ये
बातें जो है वो तार्किक मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, अरे सर सुबोध सर, आप तो प्रोफेसर साहब है, मैं आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद रखता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा, तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या, इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या? देखिए एकदम मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सभी आस्थाओं में विश्वास रखती है। जहां तक फतेह जी की जो बात है, फतेह बहादुर जी ने जो बात कही है, अपनी आस्था उनको लगता है कि भाई ऐसा शुरू में उनकी आस्था है। सुबोध जी मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजिए कि राबड़ी देवी छठ पूजा करती है ना, उसकी तस्वीर तो पूरा देश देखता है। अगर छठी मैया को लेकर लोग कहें कि आजादी की लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे क्या बैठ के? अनुराग जी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। अरे सर, धर्मों में विश्वास करती है तो रामचरितमानस पर सवाल क्यों? जहां तक बात रही महिषासुर की, तो आप जानिए भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 9% आदिवासी लोग हैं। आदिवासी जितने साथी और भाई बंधु हैं वो ज्यादा झारखंड, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं। ये लोग सभी महिषासुर को अपनी आस्था मानते हैं। अरे सर तो ऐसे तो रावण को भी लेकर लोग अपनी आस्था मानते हैं, कई लोग हैं। अभी ये बिसरख में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि रावण को लेकर आस्था है कि नहीं है। काम बुरा किया था तो वध किया गया ना। आप महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं तो अब क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगेंगे क्या शिवम जी? ये क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगने पर आ गए क्या? क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की बात नहीं है, विपक्षी दलों में ऐसे कई पार्टियां हैं जो खुलकर सनातन के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ बोलती हैं। देखिए मैं जवाब हमें लगता है आरजेडी के मित्र से कहिए मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, वो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। थैंक यू। हिंदू धर्मों में, अरे अरे हिंदू धर्म के ज्ञाता भैया बस रुक जाइए, नहीं चाहिए और धर्म पर ज्ञान आपसे। पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं, अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा। विषय बहुत साफ है, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, क्या फायदा, आप बोल रहे थे नहीं बोला कोई भी। आपके पास देखिए, आपके पास आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी या फिर घमंडिया या फिर इंडिया अलायंस सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस को गाली देना सम्मान है तो हिंदू धर्म के लोगों को आपसे सम्मान नहीं चाहिए, आप हमसे नफरत करिए। अगर प्लीज आप इनको बंद करेंगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज आप इनको बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलिए ना। आपके मंत्री के बाइट याद नहीं है क्या आपको? चंद्रशेखर जी की बाइट याद नहीं है कि उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है गलत ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गलत है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप इनको रोकेंगे ना प्लीज। सुबोध जी आप तो प्रोफेसर साहब है ना। अरे सुबोध जी आप सुन तो लीजिए, बीजेपी क्या कह रही है वो सुन तो लीजिए। थैंक यू। दूसरा, अगर इसके अलावा आप हमारा सम्मान ऐसा करना चाहते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो काल्पनिक है, महिषासुर जो है राजा है, और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, यही बातें जरा किसी और से पूछकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। जिनको वोट बैंक मानते हो जरा एक बार पूछ के दिखाओ ना, आपके विधायक और आपके विधायक की गर्दन कहां मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, आप मां दुर्गा का अपमान कर सकते हैं, आप नौ नवरात्रों का अपमान कर सकते हैं, उनकी लड़ाई का अपमान कर सकते हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं और जो चाहे कह सकते हैं। ऐसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिंदुओं को आपके ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। प्लीज बीच में बोलना बंद करिए, नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाया हुआ, रुक भी नहीं पा रहे, कैसे पढ़ाते होगे बच्चों को आप? रुकिए जरा प्लीज, रुकिए जरा, जब आप बोल रहे थे ये आप ही ने कहा, ये आप ही के विधायक ने कहा है, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। बात साफ है, आप हमारी आस्था से, आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको वोट की राजनीति करनी है, आपको गाली देनी है, किसी और को दीजिए, हमें मत दीजिए। ठीक है शिवम जी और सुबोध जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं। मैं बहुत जल्दी से, हमारे साथ आरएलजेडी के भी प्रवक्ता माधव आनंद जी जुड़े हुए। माधव जी अगर आप बहुत संक्षिप्त में बताएं, क्या मजबूरी है ऐसी मेरे धर्म को लेकर, मेरे भगवान को लेकर कोई टिप्पणी करे, ये मैं कभी नहीं सुन सकता। मैं जो धर्मों में, शास्त्रों में पढ़ता आ रहा हूं, नेताजी आकर कोई और मतलब दिखा देते हैं या सिखा देते हैं, ये क्या मजबूरी है कहने की? अनुराग जी, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जो आरजेडी के विधायक हैं फतेह सिंह बहादुर, उन्होंने कहा कि वो महिषासुर को मानते हैं, तो मुझे लगता है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और सुबोध जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हम दोनों ने बहुत लंबे अरसों तक काम किया है, साथ में प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अगर इस वक्तव्य को, इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते और कहते हैं कि उनकी निजी राय हो सकती है, तो ये कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। मुझे लगता है पूरी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब से सक्रिय हुए हैं,
वैसे तो स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल मिला हुआ है, लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की सामाजिक सौहार्द को जो है सो बर्बाद करने में लगे हुए हैं तुष्टीकरण नीति के कारण, और बिना लालू यादव के इशारे के शिक्षा मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप रामचरितमानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें, आप मंत्री पद पर बने रहें, पार्टी अगर आप पर कार्रवाई ना करे तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले नेता होंगे वो तो निकलकर सामने आ ही जाएंगे, या हो सकता है पार्टी ने खुद प्लांट की हो। कार्रवाई कैसे करेगी? लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये। ठीक है सर, मंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनके बिना कोई बयान दे दे, उनके बिना कोई बयान दे दे। अगर सनातन को लेकर, अगर रामचरितमानस को लेकर, अगर मां दुर्गा को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है तो लालू प्रसाद यादव करवा रहे हैं इंटेंशनली, तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कोई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, क्यों नहीं बोलते? ठीक है शिवम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं फिर धर्मगुरु के पास जाऊंगा। प्रेम जी, ये राजनीतिक जो समीकरण है, क्या साधने के लिए है क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर धर्मों के हिसाब से वोट डालेंगे तो 2024 में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जातिवाद के आधार पर अगर आपने बांट दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती, तो क्या यह सब कुछ प्लांड तरीके से उस दिशा में किया जा रहा है ये बयान? प्रेम कुमार, अनुराग जी देखिए, प्रतिक्रियाएं कौन दे रहा है? एक हिंदू धर्म पर टिप्पणी आज से नहीं, हमेशा लोग करते हैं। और जब टिप्पणी होती है, अगर टिप्पणीकार ब्राह्मण है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अगर टिप्पणीकार जो गैर ब्राह्मण है तब उस पर बम बवाल हो जाता है। कौन से टिप्पणीकार ब्राह्मण पे प्रतिक्रिया नहीं होती है? प्रेम जी, प्रेम कुमार जी क्या बात कर रहे हैं? किस पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं? सर जाति के हिसाब से थोड़ी भी जाति देखेंगे क्या? सर भगवान ना किसी जाति के है ना धर्म के, भगवान भगवान होते हैं, जिसकी आस्था है उसकी आस्था है। ब्राह्मणों के क्या, कैसी बातें करते हैं? भगवान से सिर्फ ब्राह्मणों के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं क्या? शिवम भाई एक बार कह लेने, पूरी दुनिया के शिवम भाई एक बार उनको कह लेने, आधा घंटा शिवम त्यागी से बोलवा लीजिए आप। प्रेम जी बिल्कुल बोल लीजिए, लेकिन गलत बोलेंगे तो जवाब मिलेगा ही ना। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर बोलने की छूट है, बाकी लोगों को छूट नहीं है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पर जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो निबंध लिखना सिखाया जाता है। निबंध में लिखाया जाता है भारत जो है वो धर्म आस्था का देश है, और धर्म आस्था पर इस तरह से प्रहार उसी देश में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी विधायक पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बहादुर सिंह, उन्होंने माँ दुर्गा पर सवाल उठा दिया। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा दिया। दुर्भाग्य है कि आरजेडी और नीतीश की सरकार कभी रामायण पे, उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, आज माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा हैं, विद्यादायिनी हैं, हर नौ कई रूप हैं उनके, ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं। इनका इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देवताओं पर ये कोई कटाक्ष कर सके, क्यों? ये लोग कमजोर आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो जानते हैं अगर मैं मुसलमानों के कुरान पर कोई कमेंट कर दूं तो सर तन से जुदा हो जाएगा, यही कारण। हिंदू एकजुट ना हो ये भी कोशिश हो रही है क्या कि इस तरह के बयान देकर उनको बांट दिया जाए, जाति धर्म में उलझा दिया जाए? ये तो शुरू से रहा है, हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा है कि हिंदुओं को जात में बांटने का काम ये सरकार करना। अब बेचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी कटते हैं, ये हिंदुओं के दुर्दशा है। लेकिन भूले नहीं लालू जी और नीतीश जी, हिंदू के सहिष्णुता की परीक्षा न ले। आज छपरा में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद हुआ, वहां भी पत्थरबाजी की गई यात्रा पे, बेगूसराय में आप थे। ये तो कई बरसों से, जब से मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है,
बिहार में तो 19 जिले लगभग रहे हैं आज से कई साल पहले, जहां रूट चेंज कर देना, दुर्गा के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना, आज छपरा हो या मुजफ्फरपुर। गिरिराज सिंह को आपने सुना, गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, कई बार हिंदुत्व को लेकर बहुत खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए। मैं बहुत जल्दी से शिवानी दुर्गा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके तो नाम में भी दुर्गा है मैम, तो मुझे आप बताइए कि ये जब टिप्पणियां आप हमारे देश के राजनीतिज्ञों से सुनती हैं कैसा लगता है आपको? और दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना वाकई इतना आसान है कि चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के आप कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, आपको माफी है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं? जी, हर हर महादेव आप सभी को। आपने दो प्रश्न पूछे हैं। मैं सुन रही थी फतेह बहादुर सिंह जी को जो वो बोल रहे थे, और उसमें मैंने पढ़ा भी, उसमें लिखा था कि ये महिषासुर के वंशज स्वयं को बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये महिषासुर के वंशज हैं तो महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। हम माँ दुर्गा की सेविका हैं, भक्त हैं, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ति करते हैं माँ दुर्गा की। तो आप सभी जानते हैं कि महिषासुर नृप अति अभिमानी, उनका जो है क्या हाल माँ दुर्गा ने किया था। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते हैं, बुद्धिहीन सपने हु सुख नाही, ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति करते हैं कि शक्ति को ललकारते हैं, क्योंकि इनका अंत निकट होता है। जब अंत निकट होता है तो हम देवताओं को, शक्ति को, भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं, तो इनके साथ भी वही होगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक की राजनीति है, उसी समय पर यह किया जाता है। अब क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है, इस सरकार को या ये जो भी लोग हैं इन्हें कोई पूछता नहीं। लेकिन मैम, क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना इतना आसान है? क्या कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा? देखिए, हिंदू धर्म को टारगेट करना आसान नहीं है, इसीलिए टारगेट किया जाता है, जो शक्तिशाली होता है उसी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो इन्हें ये भय भयभीत हैं हिंदू धर्म से, हिंदुत्व की एकता से, हिंदुओं के एक होने से, सनातन क्या फिर से उदय होने से ये लोग भयभीत हैं, इसलिए अटैक कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। सुबोध जी, आपने सारी बातों को सुना, मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं, मैं पहले धर्म और आस्था के आधार पर आपसे समझ लेता हूं कि साहब आप भी तो किसी न किसी को तो मानते होंगे भगवान के तौर पर, किसी न किसी को एक्सट्रीम शक्ति मानते होंगे, तो किसी को हक थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए? देखिए अनुराग जी, राष्ट्रीय जनता दल किसी भी धार्मिक भावनाओं को, राष्ट्रीय जनता दल के ही तो नेता है ना, विधायक तो आप ही के है ना। दीजिए ना महाशय, आपने क्वेश्चन पूछा है, बोलने दीजिए जी। कोई नहीं तो आप डाल रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। सबसे पहली लाइन में आपसे सबसे सटीक सवाल पूछा था। अनुराग जी, हमें ये बताइए, जो ट्राइबल है, आदिवासी है, वो हिंदू है कि नहीं है? आपको पता है असुर जनजाति पाई जाती है झारखंड में, आपको मध्य प्रदेश में और असम में और बंगाल में, आपको पता है? महिषासुर मतलब विधायक जी जो है वो उस असुर जाति का, उस ट्राइबल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा क्या? 9% लोग हैं जो महिषासुर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी हिंदू धर्म के अंदर ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फतेह बहादुर जी कह रहे हैं वो उनकी पर्सनल। अच्छा चलिए ठीक है, आप महिषासुर की पूजा कर लीजिए, कौन किसकी पूजा कर रहा है, दिस इज नन ऑफ एनीबॉडी एल्स बिजनेस, बट द पॉइंट इज आप ये मुझे बताइए कि माँ दुर्गा आपके लिए काल्पनिक है क्या, आपकी पार्टी के लिए काल्पनिक है? महिषासुर की पूजा कीजिए आप, चलिए आप कर लीजिए, हो सकता है आपको वोट मिलते हो, लेकिन आप माँ दुर्गा को काल्पनिक मानेंगे? सुनिए अनुराग जी, हिंदू धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहाँ पे सर फुटोगल कोई क्यों रहे? अरे तो सर अरे ना मानिए आप, सार्वजनिक मंच से लोगों की भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? धर्म में विश्वास करती है, हर किसी में विश्वास करती है, अगर कोई मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट सुबोध जी, सुबोध जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, और इस देश में है ठीक है। सुबोध जी एक चीज का मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं शिवम जी के पास जा रहा हूं। सुबोध जी मुझे एक बात बताइए, अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो इसमें दूसरों की भावना क्यों आहत कर रहे हैं आप अपने तक सीमित रखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक्षेप कर दे या आरजेडी पर कोई टिप्पणी कर दे तो आप चुप बैठते हैं क्या कभी? आप तो जवाब देने निकल जाते हैं, आप जैसे कई प्रवक्ता आ जाते हैं। तो किसी के धर्म पर आप इतना बोले उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, आप सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लें कि वो उनकी विचारधारा है। अरे पल्ला झाड़ना होता है अनुराग जी, तो आपके डिबेट में हम क्यों आते हैं? तो यहाँ पर भी आप सटीक मांग कर रहे हैं सर, आप मानिए कि आपकी पार्टी का लाइन है महिषासुर वाली, आप मान लीजिए, मैं बोल दूंगा ठीक है साहब, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का लाइन है, सब आस्थाओं सब धर्मों के में हम विश्वास करते हैं। ये तो शिवम त्यागी जी छुपने वाली बात है ना, 24 के लिहाज से आप
पुष्टिकरण भी कर ले, जाति के आधार पर बंटवारा भी कर ले और फिर कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो आपकी तरफ हैं। शिवम जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। माधव जी आप उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। शिवम जी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आरजेडी की बात करें खासतौर पर तो वो पार्टी महिषासुर को मानने वाली पार्टी है। अगर ये महिषासुर को नहीं मानते तो इन्होंने अपने विधायक के बारे में क्या किया, क्या उसको इन्होंने कुछ कहा, क्या इसको उन्होंने डांटा, क्या इसको उन्होंने माफी मांगने को कहा, फिर भी उसके बाद में भी जी जी। अरे भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, विंडो बंद है, उसमें भी आप बोले जा रहे हैं, रुक जाइए। ये ट्रेनिंग कहां से लेकर आए हैं, रुक जाइए भाई। अभी इनको प्लीज रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे सर नहीं बोल रहा तो नहीं, सुबोध जी एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट शिवम जी, मैं एक बात कह दूं फिर मैं सुबोध जी आपको आपका माइक ऑफ करवा दूंगा। सुबोध जी एक बहुत सिंपल सी बात है, ये मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक भगवान श्री राम को काल्पनिक लोग कहते थे। 2024 का चुनाव आते आते आज लोग इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो हमें बुला क्यों नहीं रहा है, और वो आपके ही सहयोगी। तो ये सच्चाई है सर कि जब आप काल्पनिक कहते तब आप सोचते नहीं है। ठीक है शिवम जी प्लीज, थैंक यू। लेकिन कुछ कथित प्रोफेसर साहब रुक जाइए, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, वो चुप नहीं होंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मां दुर्गा को काल्पनिक बताया है आरजेडी वालों ने, इसी तरीके से ये तो कुछ भी कह सकते हैं। आने वाले समय में छठी मैया का त्योहार आने वाला है, छठ करता है पूरा देश, और छठी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है और भगवान सूर्य की बहन माना गया, ये तो उसको भी काल्पनिक मानते हैं फिर इसका मतलब। तो ये इतना ढोंग क्यों करते हो भाई, ये पूरा छठी मैया की इतनी पूजा क्यों करते हो? अगर सनातन में विश्वास नहीं है, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, माँ दुर्गा में विश्वास नहीं है, छठी मैया में विश्वास नहीं है, कोई भी उनको गाली दे सकता है, कोई भी उनको काल्पनिक कह सकता है, कोई भी उनको गलत बता सकता है, कोई भी उनको महिषासुर से छोटा कर सकता है, कोई भी उनको कह सकता है कि ये हुआ ही नहीं, और अगर ये हुआ है तो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं आपने लड़ाई लड़ी? तो फिर मानकर ये ड्रामा क्यों करते हो, ये बैठकर पूजा करके उसका लाइव प्रसारण क्यों करवाते हो? अगर हिंदू धर्म को गाली ही देनी है तो उसी पर चुनाव लड़ो ना, उसी पर गाली ही दो। लेकिन गाली भी देनी है, हम किसी धर्म का अपमान भी नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, और अपने विधायक को कुछ कहते भी नहीं, अपने मंत्री को कुछ कहते भी नहीं। वोट बैंक खिसकता है ना सर? नहीं तो वोट बैंक खिसकता है तो भगवान को कम से कम वोट बैंक में ना लाए ना, माँ दुर्गा को वोट बैंक में ना लाए, छठी मैया को वोट बैंक में ना लाए। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या मानो तो देवता नहीं तो पत्थर वाला स्टेटमेंट किसी को इस बात की इजाजत देता है कि कोई किसी को धार्मिक तौर पर आहत कर ले? देखिए मेरा जवाब आप लेंगे तभी हम जवाब दे सकें सर, मैंने इसीलिए आप लोग बोलने ही नहीं देते तो हम क्या बोले, अब क्यों बुलाते मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो एक लाइन बोलता हूँ आप रोक देते सर। आप ये पिछली बार भी आए हमको बोलने नहीं दिया, ब्राह्मण को बोलने दिया जा रहा नहीं बोलने दिया जा रहा तो इस पे क्या करूं बताइए। मैं फिर कहता हूँ कि अगर प्रेम कबूतर से चिट्ठी लिखा के भेज दीजिएगा जवाब। आपने तो प्रोफेसर साहब को बता दिया कि कथित प्रोफेसर, वो बात ऐसी कर रहे हैं भाई, कथित प्रोफेसर कमाल बात है। आपने पहले मैं प्रोफेसर का सम्मान करता हूँ लेकिन भगवान को भी मानता हूँ अपने, और भगवान सबसे सर्वोपरि है, माँ दुर्गा सबसे सर्वोपरि है भाई, छठी मैया सबसे सर्वोपरि है। आप यहाँ बैठकर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं, आप प्रोफेसर भी है और आप अगर मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूँ क्या? नहीं सुनूंगा मैं। एक बार सुन लेते हैं। मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी, क्यों सुनूं मैं? अरे प्रेम जी आप उलझ जाते हैं, अगर मेरे धर्म को गाली देंगे तो क्यों सुनूं मैं? आप बोले प्रोफेसर सम्मान है उस बात का लेकिन गाली नहीं दे सकते आप। ठीक है प्रेम जी बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए। प्रोफेसर सुबह प्रेम जी प्लीज अपनी बात को कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपनी बात रखने दीजिए मुझे, प्लीज रखिए। टिप्पणीकार देखिए, जब सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि रावण के बारे में गलत इतिहास बताया जाता है, रावण उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, मंदोदरी मेरठ की रहने वाली थी और उन्होंने सर रावण के अस्तित्व पे थोड़ी सवाल उठा दिया था। बात सर आप जो बात कह रहे हैं भाई यही तो बात है, बोलने नहीं दे रहे ना आप मेरी सर, बात तो स्पष्ट आप, करने आप जानते हैं सर इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं, वक्त की लिमिटेशन होती है ना सर, ऐसे थोड़ी आप जो बोलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर क्षेत्र के हिसाब से बताया तो भगवान श्री राम पर टिप्पणी करते हुए थोड़ी कहा था कि मुझे भरोसा ही नहीं है। बहरहाल सर मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए आप रुख करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो का। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बयानवीर नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि चुनाव करीब आ रहे हैं इसीलिए जहरीली बयानबाजी क्या की जा रही है? कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयानबाजी की। इधर रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयानबाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने संभाला था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो हिंदुओं के धर्मग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले बयानवीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर भी शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने अब माँ दुर्गा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक जी के मुताबिक माँ दुर्गा काल्पनिक हैं
और मां दुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है। विधायक फतेह बहादुर यही नहीं रुके, उन्होंने महिषासुर का भी महिमा मंडन कर दिया। कहा कि महिषासुर बहुजन समाज का न्यायिक राजा था। आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं को तार तार करने के लिए विधायक जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जरा एक बार बयान सुनिए। लोहा कहीं आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ। जब 3700 वर्ष पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहे का तलवार और लोहे का चक्र लाखों वर्ष पहले कहां से आया, ये साबित करता है कि ये काल्पनिक है। मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी, दसों हाथ का औजार कहाँ था, और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। समाजवादी राजा जो राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। द्वितीय अध्याय इसमें देखिए, माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? और आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कन्नी काट ली। अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आरजेडी खुद भी मुश्किलों में फंसा गिरती देख रही है। अब तक आरजेडी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई जवाबी टिप्पणी नहीं की। लालू और तेजस्वी की चुप्पी सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर सनातन के विरोध का दांव चला गया? बीजेपी और जेडीयू के बयानों को आप सुनिए और समझिए कि इसके पीछे की सियासत क्या कहती है। मां भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को, और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें। तेजस्वी यादव जी, कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं? बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई। और चलिए, मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो के बहस के सवाल क्या हैं। आरजेडी के बयान बहादुर तो क्या पूर्वज महिषासुर है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी कि लोकसभा फतेह के लिए क्या यह पूरा फसादी प्लान तैयार किया गया? क्योंकि नेता इक्के दुक्के नहीं है या एक दो पार्टी के नहीं है, कई सारे विपक्षी नेता हैं। सवाल यह कि सनातन पर ठेस तो क्या विपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लग गई? अगला सवाल, जात पात धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे? क्या बिहार को सुलगाएंगे? सवाल यह भी कि हिंदू धर्म पर चोट तो क्या MY एजेंडे से वोट पालेंगे? सवाल अगला यह कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ माधव आनंद हैं, RLJD के नेता हैं। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, RJD के नेता हैं। और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। मुझे बताइए कि ये जो आपके विधायक जी कह रहे हैं, ये क्या आप लोग भी सच मानते हैं? क्या ये पार्टी का स्टैंड है क्या? क्योंकि आप देखें कि पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाना, वो अभी पूरा विवाद सुलझा नहीं, उस पर मामले शांत नहीं हुए। अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और अब वो माँ दुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आप लोग क्या वाकई में माँ दुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह रखते हैं क्या RJD के लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों में, सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चलने वाली पार्टी है।
राष्ट्रीय जनता दल संविधान के मूल्यों पे चलती है और संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हर धर्म संभव, मतलब सभी धर्मों को। तो ये आपके विधायक को ये संविधान का नियम नहीं पता क्या सर? अभी मैं बता रहा हूं ना, तो जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले, और ये है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उनको लगता है कि भाई ये बातें जो है वो तार्किक मेरे हिसाब से नहीं, नहीं है, नहीं, तो अरे सर सुबोध सर, आप तो प्रोफेसर साहब है, मैं आपसे अच्छे जवाब की उम्मीद रखता हूं। मुझे ये बताइए कि अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा, तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या, इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या? देखिए एकदम मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी सभी आस्थाओं में विश्वास रखती है। जहां तक फतेह जी की जो बात है, फतेह बहादुर जी ने जो बात कही है, अपनी आस्था उनको लगता है कि ऐसा सुर में उनकी आस्था है। सुबोध जी मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजिए कि राबड़ी देवी छठ पूजा करती है ना, उसकी तस्वीर तो पूरा देश देखता है। अगर छठी मैया को लेकर लोग कहें कि आजादी की लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे क्या बैठ के? अनुराग जी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है। अरे सर, धर्मों में विश्वास करती है तो रामचरितमानस पर सवाल क्यों? जहां तक बात रही महिषासुर की, तो आप जानिए भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 9% आदिवासी लोग हैं। आदिवासी जितने साथी और भाई बंधु हैं वो ज्यादा झारखंड, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं। ये लोग सभी महिषासुर को अपनी आस्था मानते हैं। अरे सर, तो ऐसे तो रावण को भी लेकर लोग अपनी आस्था मानते हैं। कई लोग हैं, अभी ये बिसरख में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि रावण को लेकर आस्था है कि नहीं है। काम बुरा किया था तो वध किया गया ना। आप महिमा मंडित कर रहे हैं, नहीं तो अब क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगेंगे क्या शिवम जी? ये क्या महिषासुर के नाम पर वोट मांगने पर आ गए क्या? क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य की बात नहीं है, विपक्षी दलों में ऐसे कई पार्टियां हैं जो खुलकर सनातन के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ बोलती हैं। देखिए मैं जवाब हमें लगता है आरजेडी के मित्र से कहिए मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, वो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। थैंक यू। हिंदू धर्मों में, अरे अरे हिंदू धर्म के ज्ञाता भैया बस रुक जाइए, नहीं चाहिए और धर्म पर ज्ञान आपसे। पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं, अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा। विषय बहुत साफ है, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, क्या फायदा, आप बोल रहे थे नहीं बोला कोई भी। आपके पास आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी या फिर घमंडिया या फिर इंडी अलायंस सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस को गाली देना सम्मान है तो हिंदू धर्म के लोगों को आपसे सम्मान नहीं चाहिए, आप हमसे नफरत करें। अगर प्लीज आप इनको बंद करेंगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज आप इनको बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलिए ना। आपके मंत्री के बाइट याद नहीं है क्या आपको? चंद्रशेखर जी की बाइट याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है गलत ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गलत है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप इनको रोकेंगे ना प्लीज। सुबोध जी आप तो प्रोफेसर साहब है ना। अरे सुबोध जी आप सुन तो लीजिए, बीजेपी क्या कह रही है वो सुन तो लीजिए। दूसरा, अगर इसके अलावा आप हमारा सम्मान ऐसा करना चाहते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो काल्पनिक है, महिषासुर जो है राजा हैं, और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, यही बातें जरा किसी और से पूछकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। जिनको वोट बैंक मानते हो जरा एक बार पूछ के दिखाओ ना, आपके विधायक और आपके विधायक की गर्दन कहां मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं, आप मां दुर्गा का अपमान कर सकते हैं, आप नौ नवरात्रों का अपमान कर सकते हैं, उनकी लड़ाई का अपमान कर सकते हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं और जो चाहे कह सकते हैं। ऐसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिंदुओं को आपके ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। प्लीज बीच में बोलना बंद करिए, नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाया हुआ, रुक भी नहीं पा रहे, कैसे पढ़ाते होंगे बच्चों को आप? रुकिए जरा प्लीज, नहीं रुकिए जरा, जब आप बोल रहे थे ये आप ही ने कहा है, ये आप ही के विधायक ने कहा है, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। बात साफ है, आप हमारी आस्था से, आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको वोट की राजनीति करनी है, आपको गाली देनी है, किसी और को दीजिए, हमें मत दीजिए। ठीक है शिवम जी और सुबोध जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं। मैं बहुत जल्दी से, हमारे साथ आरएलजेडी के भी प्रवक्ता माधव आनंद जी जुड़े हुए। माधव जी, अगर आप बहुत संक्षिप्त में बताएं, क्या मजबूरी है ऐसी मेरे धर्म को लेकर, मेरे भगवान को लेकर कोई टिप्पणी करे, ये मैं कभी नहीं सुन सकता। मैं जो धर्मों में, शास्त्रों में पढ़ता आ रहा हूं, नेताजी आकर कोई और मतलब दिखा देते हैं या सिखा देते हैं, ये क्या मजबूरी है कहने की? अनुराग जी,
चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में जो आरजेडी के विधायक हैं फतेह सिंह बहादुर, उन्होंने कहा कि वो महिषासुर को मानते हैं, तो मुझे लगता है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और सुबोध जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हम दोनों ने बहुत लंबे अरसों तक काम किया है, साथ में प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अगर वो अगर इस वक्तव्य को इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते और कहते हैं कि उनकी निजी राय हो सकती है तो ये कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। मुझे लगता है पूरी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब से सक्रिय हुए हैं, वैसे तो स्वास्थ्य कारणों से उनको बेल मिला हुआ है, लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की सामाजिक सौहार्द को जो है सो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तुष्टीकरण नीति के कारण और बिना लालू यादव के इशारे के। हाँ, शिक्षा मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप रामचरितमानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें, आप मंत्री पद पर बने रहे, पार्टी अगर आप पर कार्रवाई ना करे तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले नेता होंगे वो तो निकलकर सामने आ ही जाएंगे, या हो सकता है पार्टी ने खुद प्लांट किया हो। कार्रवाई कैसे करेगी, लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर हो रहा है ये। ठीक है सर, किस मंत्री की इतनी हिम्मत है कि उनके बिना कोई बयान दे दे, ठीक है सनातन को लेकर, अगर रामचरितमानस को लेकर, अगर माँ दुर्गा को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है तो लालू प्रसाद यादव करवा रहे हैं इंटेंशनली, तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कोई। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, क्यों नहीं बोलते। शिवम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, में ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, उसके बाद में फिर धर्मगुरु के पास जाऊंगा। प्रेम जी, ये राजनीतिक जो समीकरण है, क्या साधने के लिए है क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर धर्मों के हिसाब से वोट डालेंगे तो 2024 में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जातिवाद के आधार पर अगर आपने बांट दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती, तो क्या यह सब कुछ प्लांड तरीके से उस दिशा में किया जा रहा है, ये बयान? प्रेम कुमार, अनुराग जी देखिए, प्रतिक्रियाएं कौन दे रहा है? एक हिंदू धर्म पर टिप्पणी आज से नहीं, हमेशा लोग करते हैं। हाँ। और जब टिप्पणी होती है, अगर टिप्पणीकार ब्राह्मण है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अगर टिप्पणीकार जो गैर ब्राह्मण है तब उस पर बम्बा बवाल हो जाता है। कौन से टिप्पणीकार ब्राह्मण पे प्रतिक्रिया नहीं हुई? प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं? किस पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं हुई? जाति के हिसाब से थोड़ी भी जाति देखेंगे क्या सर? भगवान ना किसी जाति के हैं ना धर्म के, भगवान भगवान होते हैं, जिसकी आस्था है उसकी आस्था है। ब्राह्मणों के हैं क्या? कैसी बातें करते हैं? भगवान शिव सिर्फ ब्राह्मणों के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ ब्राह्मणों के हैं क्या? ठीक है शिवम भाई, शिवम भाई एक बार कह लेने, पूरी दुनिया के शिवम भाई एक बार उनको कह लेने, आधा घंटा शिवम त्यागी से बुलवा लीजिए आप। प्रेम जी बिल्कुल बोल लीजिए, लेकिन गलत बोलेंगे तो जवाब मिलेगा ही ना। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर बोलने की छूट है, बाकी लोगों को छूट नहीं है, तो ये आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पर जब पढ़ाई लिखाई की जाती है तो निबंध लिखना सिखाया जाता है, निबंध में लिखाया जाता है भारत जो है वो धर्म आस्था का देश है, और धर्म आस्था पर इस तरह से प्रहार उसी देश में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी विधायक पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बहादुर सिंह, उन्होंने माँ दुर्गा पर सवाल उठा दिया, पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने माँ दुर्गा के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा दिया। दुर्भाग्य है कि आरजेडी और नीतीश की सरकार कभी रामायण पे, उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, आज माँ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा हैं, विद्यादायिनी हैं, हर नौ कई रूप हैं उनके, ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं। इनका इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर